नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज का जो सेशन है वो हमारा है वाटरशेड मैनेजमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, चाहे वो आरईओ हो या आरएचयू हो, ठीक है। और जितनी भी एग्जाम में वाटरशेड से रिलेटेड अगर सिलेबस है तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो वाटरशेड आज हमको पढ़ना है और इसी पढ़ने के साथ ही आज हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बच्चा आप लोग डिमांड कर रहे थे किसकी कि सर अब एमसीक्यूज करवाइए, तो आपकी डिमांड पर हाजिर है यहाँ पर एमसीक्यू सेशन, ठीक है। एमसीक्यू सेशन में करवाऊंगा मैराथन, ये अंतिम प्रहार रहेगा आपका आरयू आरएचओ के लिए। उसमें मैं आपको एमसीक्यूज तो करवाऊंगा बच्चा, साथ में आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा। और ये रहेगा अपना सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। देखो जरूरी नहीं कि वही के वही एमसीक्यूज एग्जाम में आए, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की चीजें बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेशन रहेगा डेली शाम की 8 बजे। कब से शुरू होगा बच्चा, तो ये मैं अभी से बता दूं आपको, ये शुरू होगा 6 जुलाई से, ठीक है। आज 2 जुलाई है, 4 दिन के बाद ये शुरू होगा, ठीक। और इसमें मतलब 10 दिन ये क्लास चलेगी, 10 दिन 12 दिन जो भी है, एक दिन छोड़ के या जैसे भी करके, तो आपकी 10 सब्जेक्ट है, आपके 10 यूनिट है आपके सिलेबस में। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। 10 यूनिट मतलब 10 मैराथन, 10 से 12 मैराथन हो सकती है, और 10 से 12 मैराथन में आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा, इतनी मैं कोशिश करूंगा। तो बच्चा पहले मैंने आपको पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया, पूरा लगभग 145 लेक्चर से यूट्यूब पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पूरा वहां पर देख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले दिन लगभग 10 या 13 अप्रैल को कि पूरा कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे, आज हमने कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक लेक्चर आपका बनेगा एमपी एग्रीकल्चर का, एक लेक्चर बनेगा करंट अफेयर का, या तो उसको मैं मैराथन में कंप्लीट करवा दूंगा या फिर एक दो दिन में वो भी आपका हो जाएगा। तो बच्चा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपने कितनी शिद्दत से मेहनत की है ये आपके ऊपर है। बाकी अगर आपका रिजल्ट जो भी एग्जाम में रहेगा, ठीक है, आपका रिजल्ट जो भी एग्जाम में रहेगा उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको आपका जो रिजल्ट है एग्जाम में वो मुझे पॉजिटिव यहां पर देना है, समझ गए बात आपको। मेरी तरफ से मैंने अपना 100% दिया, जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी की, कोर्स पूरा फ्री पढ़ाया, टेस्ट सीरीज भी जो मेरे पास अवेलेबल थी वो आपको प्रोवाइड करवाई, ठीक है। कुछ इश्यूज थे बीच में वो भी मैंने करेक्शन करवाते हुए चल रहा हूं, और जो भी करेक्शन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और ये आपकी डिमांड पर एमसीक्यूज भी लेकर आ रहा हूं। इतना सारा अगर कोई पेड कोर्स में आपको दे रहा हो तो मैं उसको सलाम करता हूं, और अच्छी बात अगर वो करवा रहा है पेड कोर्स लेने के देने के बाद भी, जितना मैंने आपको यहां पर वो करवाया, ठीक है। और बिना किसी स्वार्थ का मैंने आपसे एक भी लेक्चर के अंदर, जितना भी मैंने पूरा 145 लेक्चर पढ़ाया आरईओ के, एक भी लेक्चर के अंदर आपसे मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, ना मैंने किसी कोर्स की बात की, ठीक है, ना ही मैंने आपसे ये बोला कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो। लाइक शेयर बोला होगा लेकिन सब्सक्राइब के बारे में कोई बात मैंने नहीं की, ठीक है। तो निस्वार्थ भावना से आपको पूरा कोर्स पढ़ाया मैंने, और काफी डिटेल में चीजें करवाई, जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ाया, सिटेक नहीं है वो भी डिटेल में पढ़ाया, बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिलेबस में नहीं है लेकिन जहां से क्वेश्चन आए वो भी मैंने कवर करवाया। तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है बच्चा, आज मैं आपसे बोलूंगा कि आज हमारे चैनल पर लगभग 23,000 सब्सक्राइबर है, आप उसको थोड़ा सा और बढ़ाकर 24-25,000 तक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपके सिलेक्शन में मदद कर रहा है, तो आप भी उस पर थोड़ा सा आप उसमें रिस्पॉन्ड अपना करें, ठीक है। तो ये अपना सेशन रहेगा 6 जुलाई से, और ये भी शानदार होने वाला है। इस सेशन को आप जरूर शेयर कीजिए और बताइए बाकी लोगों तक, बाकी बच्चों तक पहुंचाइए कि भाई इस तरीके का सेशन होने वाला है। और ये भी मुझे लगता है यूट्यूब के एग्रीकल्चर के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट पे। आज 140 लेक्चर में पहली बार मैंने आपसे इतनी बात की है, ठीक है, पहली बार, है ना। ऐसा मत सुनना सर आप तो बातें करो पढ़ाते नहीं हो, तो 140 लेक्चर में अभी तक करवा चुका हूं, उसमें पहली बार मैंने आपसे बात की है, ठीक। तो अब तो बनता है बात करना, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या पता आप लोग मुझे भूल जाओगे एग्जाम के बाद, याद रखो ना रखो, है ना, क्योंकि आप लोगों का काम तो हो जाएगा, मेरा काम तो चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की, क्लियर है, ना भूलो तो ज्यादा अच्छा, मिलते रहना जब भी मौका मिले। देखो वाटरशेड का सीधा सा फंडा है ना, मान लो ये कोई एरिया है ना, ये कोई ऐसा एरिया है, यहां पर जो है जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है, मान लो ये बादल है ना, बादल भी बना देते हैं, और बारिश होती है तो यहाँ पर क्या आता है, पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। कैसे आकर इकट्ठा होता है, अलग अलग जगहों से, है ना, मान लो ये इस तरीके से यहाँ आ गया,
पहाड़ी एरिया है या इस तरीके से आके इस कॉमन पॉइंट पे आकर ये मिल जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये पानी यहाँ से क्या होता है, या तो वो किसी में ओशियन में मिलेगा, ठीक है, ओशन में मिलेगा, या किसी रिवर में मिलेगा, या किसी लेक में मिलेगा, या किसी स्ट्रीम, ऐसा बोल सकते हैं, झरने में, यहाँ आकर ये क्या होता है, मिलता है ना, ठीक है, यहाँ पर आकर ये मिल जाता है। कई बार क्या होता है, समुद्र में ना मिलकर या नदी में ना मिलकर या नदी में मिलेगा भी तो उसका जल स्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आसपास के रहने वाले लोगों को के लिए मुसीबत बन जाता है। मतलब ये क्या ले लेता है, फ्लड का रूप ले लेता है, क्या बन जाता है, फ्लड, बाढ़ का रूप ले लेता है। इतना सारा पानी इकट्ठा होकर आता है कि आसपास जो गांव हैं, बसे हुए लोग हैं, उनके लिए ये खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाढ़ का रूप ले लेता है, इतना ज्यादा पानी आता है। मतलब क्या है कि वाटरशेड क्या है, एक जियोलॉजिकल एरिया है ना, जहां पर जो पानी आता है, ड्रेन वाटर है ना, जो रेन वाटर है, या बोल सकते जो ड्रेन वाटर है, जो जल बह के आता है, वो एक कॉमन पॉइंट पर आकर, यहाँ एक कॉमन पॉइंट पर आकर या तो समुद्र में या नदी में किसी में आकर मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं वाटरशेड। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पर बताते रहूंगा, है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा देख लिया जाए। चलो एक मिनट बच्चा, थोड़ी विजिबिलिटी नहीं है, इसको आपको क्लियरली विजिबल किया जाए, ठीक है, अब शायद आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक, ओके, ठीक। अब यहां पर ये चीजें मैंने क्या बोला, वाटरशेड क्या है, वाटरशेड एक जियोग्राफिकल बोलो या जियोलॉजिकल क्या है, एक एरिया है ना, जियोलॉजिकल क्या है या हाइड्रोलॉजिकल, जियोग्राफिक बोलो या हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल भी लिखा हुआ है, हाइड्रोलॉजिकल एरिया है, जियोग्राफिकल या हाइड्रोलॉजिकल एरिया है, जो बहकर आता है अलग अलग जगहों से, एक्रॉस द लैंड, मतलब अलग अलग जगहों से, डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा अभी, अलग अलग जगहों से बहकर आता है और ड्रेन होता है, ड्रेन होता है मतलब कि बहता है, निकलता है कॉमन पॉइंट से, और कॉमन पॉइंट से निकलकर कहां जाता है, या तो किसी धारा का रूप ले लेगा, या नदी में चला जाएगा, किसी झील में चला जाएगा, या समुद्र में मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ठीक है। तो वाटरशेड क्या है, बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, जब पानी आता है तो अलग अलग जगह से कॉमन पॉइंट पर पानी आकर या नदी वदी वगैरह में जाकर मिलता है। जब ये विकार रूप ले लेता है पानी, जब अति बारिश होती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है, जैसे बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, खतरनाक तरीके से बाढ़ आती है और बहुत काफी ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। तो इसी को मैनेज करना, इसी को मैनेज करना, क्या मैनेज करना, कि ये जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है इसको मैनेज करना, मैनेज करना का मतलब है इसको डाइवर्ट करना, ऐसी जगह पर ले जाना, मान लो यहां ले जाना, यहां ले जाना जहां पर क्या है, ड्राई लैंड है, ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, यहां पर क्या होता है, बारिश कम होती है और एक ही फसल लोग लेते हैं, सूखा एरिया है, भूमि अच्छी है, काफी प्रोडक्टिव लैंड है, लेकिन पानी की कमी वजह से वह यहां पर खेती नहीं होती है। तो इस पानी को या तो नेचुरल तरीके से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से क्या करो, डाइवर्ट करके यहां उस एरिया तक ले जाओ जहां पर इसकी जरूरत है, ठीक है। फायदा क्या है, ऐसी अलग अलग जगह पर ले जाया जाएगा इसको, है ना, अलग अलग जगह पर ले जाया जाएगा, इससे फायदा क्या है, एक तो होगा फ्लड कंट्रोल, एक तो होगा फ्लड कंट्रोल, दूसरा आपकी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, फार्मर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वो सुधरेगी। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं। फिर ऐसे कई सारे ऐसे गांव है या ऐसा शहर है जहां पर पानी की पीने की भी समस्या है, तो इसको डाइवर्ट करके वहां ले जाना, ताकि जो डोमेस्टिक यूज के लिए या एनिमल के लिए या क्रॉप के लिए अगर पानी की प्रॉब्लम है तो वो सोल्व की जाए। तो इसको मैनेज करना, समझ में आ गया, पहले बताया मैंने वाटर सेट क्या होता है, फिर इसको मैनेज करना। मैनेज क्यों कर रहे हैं भाई, एक तो फ्लड कंट्रोल होगा, दूसरा इरोजन कंट्रोल भी होगा। भाई ये बह के आता है तो क्या लेके आता है, मिट्टी भी लेके आता है साथ में, ठीक है, मिट्टी भी लेके आता है, और बाढ़ का रूप लेगा तो कई सारी जो प्रोडक्टिव लैंड है उसको भी खराब कर देता है ना, वहां फसल ही नहीं हो पाती बारिश में। तो इस तरीके की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम इसको बोल सकते हैं, टर्म्स क्या दिया है, वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मतलब जो मैंने पहले बताया, और मैनेजमेंट मतलब उसको इस तरीके से मैनेज करना, ताकि फ्लड कंट्रोल हो, इरोजन कंट्रोल हो, आप क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस फार्मर्स की बढ़े, इरोजन भी कंट्रोल हो, और डोमेस्टिक पानी का जो है डोमेस्टिक यूज हो, मतलब घरेलू उपयोग के लिए लोगों को पानी मिले, खेती के लिए पानी मिले, जानवरों के लिए पानी मिले, इस तरीके की चीजें, ये है वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है बच्चा। वन बाय वन इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्लियर है। तो वाटरशेड मैंने बता दिया कि वो एरिया जहां पर पानी एक कॉमन पॉइंट पे आकर नदी नाले में या समुद्र में आकर मिल जाता है, ठीक है, इसको ड्रेनेज बेसिन भी बोला जाता है, याद रखना, और कैचमेंट एरिया भी बोला जाता है इसको, वाटरशेड को। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन भी इसको बोला जाता है, ठीक।
और इसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, 20-25-30 क्वेश्चन इसके भी करवाऊंगा मैं, जो मैराथन क्लास लूंगा उसके अंदर। अब यहां पर देखो कुछ आपको टर्म्स दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, है ना, इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ टर्म दिख रहे हैं, हेड वाटर है, प्रेसिपिटेशन है, टर्ब्यूटरीज है, फ्लैट प्लेन है, रिज लाइन है, एस्चुरी है, इनका मतलब समझना जरूरी है, इसलिए मैंने टर्मोलॉजी वाला पार्ट भी रखा है, सारी टर्मोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन भी की है मैंने, ठीक है। तो पहले तो आपको दिख रहा है ये है पूरा वाटरशेड, है ना, वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पर पानी आ रहा है और एक कॉमन पॉइंट में आकर ये समुद्र में या नदी में आकर यहाँ पर मिल जा रहा है, ये कॉमन पॉइंट से आकर समुद्र में नदी में आकर मिल जा रहा है। अब ये समुद्र में आकर मिलेगा, नदी में आकर मिलेगा, तो नदी का जो है पानी और ज्यादा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो आसपास की जमीन पानी में डूबेगी, आसपास की जमीन पानी में डूबेगी तो जो फसलें नहीं होगी, आसपास के गांव पानी में डूबेंगे तो वहां पर लोगों को नुकसान होगा, तो इसको मैनेज करना सीधी सी बात है। अब टर्म्स को समझो, सबसे पहले समझो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बच्चा वर्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्षण। हाँ एक चीज और बता दो बच्चा, इसकी हिंदी पीडीएफ मत मांगना मेरे से, है ना, हिंदी पीडीएफ ये मैंने कंटेंट जो है अभी 2-4 दिन में अच्छे से तैयार किया है, इसकी हिंदी पीडीएफ नहीं है, कोशिश की मैंने बनाने की पर मुझे टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि इसका हिंदी कन्वर्ट करने जाता हूँ ना, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, कोशिश की मैंने बना कि अगर हो जाएगा तो डाल दूंगा, नहीं तो अब मैं समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन करवाऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, वहां समझाना अच्छा होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का किसी भी रूप में वायुमंडल से पृथ्वी पर आना, समझ में आ गई, एनी फॉर्म ऑफ वाटर, हम ऐसा बोल सकते हैं एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फियर, फ्रॉम द एटमॉस्फियर, वायुमंडल से किसी भी रूप में पानी का पृथ्वी पर आना, किसी भी रूप का क्या मतलब, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में आए, लिक्विड में आता है ना बारिश होती है तो, सॉलिड फॉर्म में आए, सॉलिड फॉर्म में आता है ओले गिरते हैं बड़े बड़े, है ना, और गैसियस फॉर्म में, जब क्या होता है गैसियस फॉर्म का मतलब हो जाएगा जब वाष्पन हो, है ना, वाष्पन हो, ठीक है, वाष्प के फॉर्म में हो, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये बारिश हो रही है, ये चाहे लिक्विड में आ रही है, लिक्विड में आ रही है तो इसको प्रेसिपिटेशन ही बोलेंगे, ये बारिश हो रही है, क्लियर, ये बारिश हो रही है। तो कई बार रेनफॉल को भी हम प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं, पर एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन क्या होता है, लिक्विड सॉलिड और गैस किसी भी फॉर्म में पृथ्वी पर पानी का आना, वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक, कई बार हम सिनोनिम में रेनफॉल बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन को, ठीक। तो ये बादल थे, यहाँ पर पानी बारिश में गिर रहा है, ठीक, एक चीज आप समझ गए। दूसरा बोलते हैं टर्ब्यूटरीज, टर्ब्यूटरीज का क्या मतलब है, ये तो हो गई ये हेडलाइन, ये हो गया आपका हेड वाटर, ठीक है, ये हेड वाटर जो रिज लाइन के जस्ट पास से आ रहे हैं, ये आपका हेड वाटर है, मेन वाटर है हेड वाटर, इसको आप जीरो या फर्स्ट कैचमेंट ऑर्डर भी बोल सकते हो, जीरो भी बोल सकते हो मतलब यहीं से शुरू हो रहा है, और फर्स्ट कैचमेंट भी बोल सकते हो मतलब पहला बेसिन एरिया आप बोल सकते हो इसको हेड वाटर को, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है कि जब पानी बहकर आ रहा है, ये मेन लाइन है, मेन लाइन में आ रहा है तो साइड से और लाइन आके जुड़ रही है, ये आके जुड़ रही है, ये ट्रिब्यूटरीज को मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ सहायक नदी, आप समझ जाओगे, सहायक नदी आप अगर बोलता हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। मान लो जैसे ये नर्मदा नदी बह रही है ना, इसमें आकर शंकर दूधी और जो बहुत सारी तवा नदी जो भी है वो सब आके मिल रही है, तो जो आकर मिल रही है इसमें मेन नदी में, इसको बोलते हैं टर्ब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। तो ये मेन लाइन जा रही है, इसमें दूसरी जो पानी आकर यहां मिल रहा है, तो ये सारी लाइन क्या है, टर्ब्यूटरीज है। एस्चुरी आपको मत समझते हो, एस्चुरी का मतलब होता है मुहाना, मुहाना वो मेन माउथ बोल सकते हैं, इसको माउथ बोल सकते हैं, मुंह बोल सकते हैं, मुहाना बोल सकते हैं, जहां पर ये पानी सारा आकर कहां मिल रहा है, या तो नदी में मिल रहा है या ओशियन समुद्र में आके मिल रहा है जिस जगह से, तो यहां पर ये मेन मुंह है इसका, जहां से ये पानी कहां गिर रहा है, चाहे नदी में या फिर किसी अब समुद्र में मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एस्चुरी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोल दो, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, मुहाना ही बोलते हैं। फिर फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन का मतलब क्या है, फ्लड प्लेन का मतलब है बच्चा, ठीक, फ्लड प्लेन का मतलब है कि पानी जब ये ट्रिब्यूटरी से आकर कहाँ मिल रहा है, ये मेन लाइन में, ये मेन लाइन क्या है, फ्लड लाइन है, ठीक है, इस फ्लड लाइन में आकर बह रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लड लाइन। फ्लड लाइन मतलब सारा पानी आ रहा है इस मेन लाइन में, और ये मेन लाइन जो होती है ये क्या शो होती है, या तो ये एज ए रिवर, इसको हम रिवर बन जाती है, नदी बन जाती है, या ये क्या बन जाता है, एक धारा स्ट्रीम बन जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि आसपास से जितना भी पानी आ रहा है वो एक चैनल में आकर मिल रहा है, और वो जो चैनल में आके मिल रहा है वो चैनल क्या बना रहा है, वो फ्लड प्लेन बना रहा है, मतलब कि एक बाढ़ जैसा रूप ले रहा है वो, है ना, जिसको हम नदी भी बोल सकते हैं। ये और पानी आके बढ़ेगा तो ये एरिया और बढ़ जाएगा, और पानी आके मिलेगा इतने एरिया और बढ़ जाएगा, तो वो जो है एक नदी का रूप ले रहा है या एक स्ट्रीम एक धारा का रूप ले रहा है, और ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम बाढ़ भी बोल देते हैं, है ना, तो ये फ्लड प्लेन हो गया। रिज लाइन क्या होता है, रिज लाइन को याद रखना बच्चा, इस रिज लाइन को वाटर शेड डिवाइड भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, वाटर सेट डिवाइड भी बोलते हैं रिज लाइन को। इकोनॉमिक्स में रिज लाइन का मतलब अलग होता है, यहाँ अलग है। रिज लाइन को आप समझ सकते हो, तेरे नाम मूवी देखी आपने सलमान खान की, उससे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, उससे समझाता हूँ। ये है हमारे सलमान खान भाई साहब, है ना भाईजान, जैसे भी बने, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी आपने हेयर स्टाइल देखी होगी कैसी थी सलमान खान साहब की, ये कुछ इस तरीके से, है ना, ये। अब इसमें हो क्या रहा है, रिज लाइन का मतलब है कि वो लाइन जहां से ये लाइन, ये जो मांग है इनकी, ये रिज लाइन का काम करती है, रिज लाइन का, कि इससे इधर आधे बाल और इससे इधर आधे बाल, ठीक। तो रिज लाइन का मतलब होता है वो एरिया जहां से कोई भी जो पार्ट है वो दो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वो सलमान खान साहब की हेयर स्टाइल आपने देखी, तेरे नाम में क्या थी, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, एक इस तरफ मुड़ गई और एक इस तरफ मुड़ गई। तो यहाँ पर रिज लाइन का मतलब यही है, वो एरिया जहां से, जैसे मान लो ये बना दिया हमने पहाड़ पर्वत, अब यहां से क्या होगा, एक रिज लाइन बनेगी, कौन सी, ये रिज लाइन होगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहां पर पानी आकर गिरेगा तो कुछ पानी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, कुछ पानी इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो इस दोनों साइड को डिवाइड कर रही है लाइन, उसी को रिज लाइन बोल देते हैं। तो यहां पर बच्चा आपको जो लाइन दिख रही है ये पर्पल कलर में, ये रिज लाइन है, ये सारी रिज लाइन है, जहां से पानी कुछ इस तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरफ चला जाएगा, ठीक। तो इसी रिज लाइन को वाटर से डिवाइड भी बोला जाता है, याद रखना। तो ये सारे टर्म मैंने आपसे डिस्कस किए और सारे टर्म यहाँ पे लिखे हुए भी है। देखो ये रिज लाइन क्या है, स्लोप को ये शो करती है, किसको, ढलान को शो करती है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में, दो अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मैंने क्या बोला, ये एक ढलान इस तरफ है, एक ढलान इस तरफ है, तो ये बीच में जो रिज लाइन होगी, दो अलग अलग डायरेक्शन को, दो अलग अलग दिशाओं के जो ढलान है उसको ये शो करती है, ठीक है। नीचे अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो, ठीक। क्या लिखा हुआ है, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन, वही बात हो गई, ये हाईएस्ट एलिवेशन मतलब हाईएस्ट ऊंचाई, हाईएस्ट ऊंचाई क्या होगी यहां पर, इससे एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, है ना। तो लिखने का तरीका अलग अलग है, चीजें वही है। हेड वाटर मैंने बता दिया, इसको जीरो या फर्स्ट ऑर्डर कैचमेंट भी बोला जाता है, याद रखना, हेड वाटर को जीरो या फर्स्ट कैचमेंट ऑर्डर भी बोला जाता है, जहां से जो पानी पानी आ रहा है, पानी का पानी बह रहा है, वो लाइन ओरिजिनेट होती है। जैसे मैंने बोला कि ये हमारी रिज लाइन है, ठीक है, ये रिज लाइन है, यहाँ इस रिज लाइन के पान से ये पानी यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, ये लाइन ओरिजिनेट हुई, है ना, धीरे धीरे ये किसमें, वाटर फ्लो में बन जाएगी, ये यहां से आई, ये तो जहां से इसका ओरिजिन हुआ है ना, वाटर फ्लो का, और यहीं से वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम हेड वाटर। ट्रिब्यूटरीज बता दी मैंने, है ना, क्या होती है, सहायक नदियां होती हैं जो मेन लाइन में आकर मिल जाती है। कहां चला गया बच्चा, इसे नहीं जाना, ठीक है बच्चा लोग। अब फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या होता है, एक फ्लड एरिया ऑफ लैंड, लैंड का जो है एक फ्लैट एरिया होता है, जो क्या होता है नेक्स्ट, मतलब या तो रिवर में या धारा में बदल जाता है, मैंने यही बताया है ना, कि अगर मान लो ये फ्लैट एक पूरा एरिया है, फ्लैट एरिया है, तो उसी में समझो, यही बोला मैंने, ये एक फ्लड एरिया है पूरा, ये प्लेन एरिया है, ये क्या होगा, यहां से पानी आया, यहां से पानी, यहां से पानी आया, इसमें या तो रिवर में, नदी में, या फिर किसी ये धारा में बदल गया, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक। और क्या है, इक्विफर, देखो इक्विफर्स क्या होता है, इक्विफर्स का सीधा सा मतलब यहाँ पर समझो, इक्विफर्स का सीधा मतलब क्या है बच्चा, इक्विफर्स का मतलब है कि अगर मान लो ये हमारा, ये मैंने बोल दिया लैंड है, अर्थ है हमारी, ठीक, अर्थ है। इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वाटर की, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिर अंदर ही अंदर पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम परकोलेशन, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ाया मैंने सोल साइंस में। और अगर मान लो ये साथ में क्या ले रहा है, साल्ट और मिनरल भी ले जा रहा है साथ में, साल्ट और मिनरल या न्यूट्रिएंट भी ले जा रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लीचिंग बोल देते हैं, ये सब पढ़ाया मैंने, ठीक। इसी में आपका क्या होता है, यहाँ पर कई सारी चट्टाने होती है ना, ये नीचे चट्टाने होती है, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है ना, नीचे रॉक्स होती है, रॉक्स आ जाएगी नीचे, अब इन्हीं रॉक्स में क्या होता है, ये पानी आकर यहाँ पर भर जाता है ना, पानी आकर क्या होता है, इन चट्टानों में यहाँ नीचे पानी आकर भर जाता है, ये है ना, वाटर यहाँ पर आकर भर जाता है। और यही क्या होता है, यही जो हमारे कुएं होते हैं, वेल होते हैं, जैसे मान लो ये कुआ है यहाँ पर, ठीक है, वेल है, इस वेल को ये रिचार्ज करने का काम करता है, जब हम कुएं खोदते हैं तो यहाँ पर हमें पानी मिल जाता है। तो इस कुएं को रिचार्ज करने के लिए, कुएं की उपज या यील्डिंग को बढ़ाने के लिए, चट्टानों में जो भरा हुआ जल होता है उसको हम इक्विफर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, ठीक है। क्या लिखा है, एनी वाटर बेरिंग, कोई भी वाटर बेरिंग रॉक्स है, फॉर्मेशन दे द कैपेबिलिटी यील्डिंग सफिशिएंट वाटर टू द वेल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो इक्विफर्स क्या होता है समझ लिया। हाइड्रोग्राफ्स क्या होता है, हाइड्रोग्राफ्स जैसे कि थर्मोग्राफ होता है, जिसपे टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना, शो होता है,
वैसे यहां पर क्या होता है, हाइड्रोग्राफ्स होता है। हाइड्रोग्राफ्स क्या करता है, जो वाटर का फ्लो होता है अगेंस्ट द टाइम, टाइम के अगेंस्ट जो वाटर का फ्लो होता है या वाटर का जो लेवल होता है वो रिकॉर्ड होता है इसके ऊपर। तो ये क्या शो करता है, ये स्टेज शो करता है कि किस स्टेज का जो है फ्लो हो रहा है, कहां तक पहुंच गया है, फ्लो कितना है, कितना मतलब कि कितनी स्पीड से पानी बह रहा है, वेलोसिटी वेग क्या है उसका, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वाटर की वो सारा टाइम के रिस्पेक्ट में इस ग्राफ में शो होती है। इसको हाइड्रोग्राफ्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है पर इक्विपर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये इक्विपर्स इंपॉर्टेंट है। जो जो टर्म्स मुझे मिले वो सारा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। मुझे हो सकता है आपने वाटर सेट पहले भी पढ़ा हो या किसी और ने भी पढ़ाया हो, बट मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि सर मज़ा आ रहा है, ठीक है, बताना। सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, आप जानते हो जरूरत नहीं है, है ना। जो चीज़ें होती है ना वो काम से बिकती है, तो अगर काम पसंद आएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग सारी चीज़ें होगी, है ना। तो चीजें समझो, ठीक है। तो वाटर सेट जो है, रीजन की बात करें, साइज ऑफ वाटर सेट, साइज ऑफ वाटर सेट की बात करें, अगर आइडियली बात करें तो 1000 से 2500 हेक्टेयर की जो साइज होती है वो आइडियली मानी जाती है, 1000 से 2000। अभी और भी साइज की बात करूंगा जहां से एग्जाम में पूछे हैं, लोगों ने आपको शायद एक ही तरीके की साइज पढ़ाई हुई, मैं आपको चार तरह की साइज पढ़ाऊंगा, आपका कंफ्यूजन ही खत्म होगा, है ना। कंफ्यूजन ही खत्म होगा कि अगर इस तरीके का डाटा हो तो क्या लगाना, इस तरीके से डाटा हो तो क्या लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट, ठीक। वाटरशेड मैनेजमेंट भी समझा चुका हूं कि जो वाटरशेड था उसको मैनेज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हाल्ट लैंड डिग्रेडेशन। हाल्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा, जब आप रेलवे स्टेशन ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो अक्सर सुना होगा आपने कि नेक्स्ट हाल्ट जो है ये आने वाला है। हाल्ट का मतलब होता है जहां पर रुकती है गाड़ी, है ना, रुकना। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि का हाश हो रहा है, किसकी वजह से, वाटरशेड की, मतलब पानी जो बह के आ रहा है तो वो सोइल का इरोजन भी हो रहा है, मिट्टी भी बहकर जा रही है ना। बाढ़ फ्लड हो रहा है, फ्लड हो रहा है तो जो प्रोडक्टिव लैंड है वो पानी में डूब रही है, गाँव के गाँव पानी में डूब रहे हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन को रोकना। दूसरा, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमम करना, भूमि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना, ये वाटर मैनेजमेंट का मेन बोल सकते हैं एम है या उद्देश्य है, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसके लिए पहले बनाते हैं प्लान। क्या बनाते हैं, प्लान को क्रिएट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, प्लान तैयार करना पड़ेगा कि भाई मैनेज कैसे करना है। जैसे कि अपन ने आरईओ को पढ़ाने से पहले मैंने आपके साथ एक प्लान डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि किस तरीके से हम कोर्स पूरा करेंगे, और उसी तरीके से हमने जुलाई फर्स्ट वीक, ये लास्ट लेक्चर आज 2 जुलाई है और हमने फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया जैसा हमने बोला था। तो हमने एक प्लान तैयार किया था, उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। प्लान तैयार करके एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बना के, ठीक है, प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक। प्रोजेक्ट तैयार करके क्या करना, वाटरशेड के जितने भी फंक्शन है उनको बढ़ाना, वाटरशेड के जितने भी फंक्शन है उनको बढ़ाना। वाटरशेड के फंक्शन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताए, कैसे कैसे चीजें करना, फ्लड को कंट्रोल करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, ये सारी चीजें, है ना। अब जो है क्या, प्लांट को, एनिमल को और जो ह्यूमन की कम्युनिटीज है आसपास जो रह रही है, अब देखो समझो यहां पर ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एक प्लान तैयार करो, वाटरशेड का प्रोजेक्ट तैयार करो, है ना, वाटरशेड प्रोजेक्ट तैयार करो, प्लान तैयार करो और जितने भी वाटरशेड के फंक्शन है उनको इस तरीके से बढ़ाओ ताकि वाटरशेड के आसपास, मतलब समझना ये मान लो एक वाटरशेड एरिया है ना, ये वाटरशेड एरिया है, वाटरशेड एरिया है, इस वाटरशेड एरिया के आसपास जो है लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोग ले रहे हैं। अब लोग ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, फील्ड क्रॉप भी ले रहे होंगे, खेती भी कर रहे होंगे, ठीक, और इन्होंने एनिमल भी रखे होंगे। तो आप इस वाटरशेड एरिया को इस तरीके से मैनेज करो कि इन लोगों को क्या मिले, डायरेक्टली इंपैक्ट इन पर प्रभाव पड़े, डायरेक्टली इनको फायदा पहुंचे, भाई इनको पीने के लिए पानी मिले, इनके खेत को पानी मिले, इनके जानवरों को पानी मिले, ये वाटरशेड की डेफिनेशन है, यही मैनेजमेंट करना है। समझ में आई बात, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लान तैयार करो, प्रोग्राम करो, प्रोजेक्ट बनाओ, वाटरशेड के फंक्शन बढ़ाओ, जिससे क्या हो, प्लांट, एनिमल और जो वहां आसपास जो लोग रह रहे हैं वाटरशेड बाउंड्री के आसपास, उनको डायरेक्ट लाभ मिले, ठीक। इसमें स्टडिंग द रिवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो वाटरशेड के जो भी लक्षण है, जो भी विशेषताएं कैरेक्टर है, उन सबकी स्टडी करो, सबको क्या करो, एनालिसिस करो, क्या चीज हो सकती है क्या नहीं, ठीक है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये सारी चीजें। तो मेन चीज ऊपरी आपको समझ में आ गई, वाटरशेड मैनेजमेंट है क्या, करना क्यों है। वाटर सप्लाई, वाटर की क्वालिटी, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर, रन ऑफ, वाटर राइट,
ये सारी चीज है। मतलब पानी का सप्लाई प्रॉपर हो, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको डोमेस्टिक यूज के लिए, उनकी खेत के लिए, उनके जानवरों के लिए। पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं खराब पानी सेलाइन वाटर हो या एल्कलाइन वाटर हो, क्रॉप खराब हो जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, एनिमल बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक्सेस वाटर है तो ड्रेनेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, है ना। स्टॉर्म वाटर है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर है वो भी क्या होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। रन ऑफ है ना, बहता पानी है वो भी मैनेज होना चाहिए। राइट्स, पानी का जो अधिकार है, राइट्स मतलब वाटर राइट्स जो है वो भी लोगों को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी डेफिनेशन है, आप बोल सकते हो वाटर शेड क्या है, इट इज द बेस्ट वेट ऑफ सेफ गार्ड और दी रिसोर्सेस। इसको ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर शेड क्या है, एक सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे सेफ तरीका है यूज करने का फ्यूचर एंड कंट्रीब्यूट द इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स क्वालिटी। ठीक, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड वाइज रिसोर्सेज की आपसे पूछे तो वाटरशेड मैनेजमेंट आ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्लियर है? थोड़ी सी आपको एनिमल्स का साउंड सुनाई दे रहा होगा बच्चा, तो है ना, जहां अपना स्टूडियो है वहां पे पास में एक शेड बना हुआ है जहां पर गाय भैंसें बनती है, है ना। मैं गांव से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं और जहां से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पास में जो एक शेड बना हुआ है जहां पर हमारे एनिमल्स रहते हैं, जो पेट एनिमल्स, ठीक है, गाय है ना, काऊ है, बफेलो है, तो इनका आपको साउंड सुनाई दे रहा हो तो मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करना मेरे लिए जरूरी है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, जो प्रिंसिपल मैंने जो बता दिए आपको, सारे प्रिंसिपल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। लैंड की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करना, लैंड की कैपेबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करना। फर्टाइल, जो टॉप फर्टाइल सोयल है उसको प्रोटेक्ट करना। अब जैसे मान लो ऐसा एरिया है जहां पर सोयल तो बहुत ही फर्टाइल है लेकिन वो पानी में डूब जाती है ना, पानी भर जाता है उसके अंदर, बाढ़ आती है, पानी गिरता है तो पानी भर जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। फिर लो फर्टाइल लैंड है ना, यहाँ पे जो रिजर्वियर है, जो झरने हैं या तालाब है थोड़े, उनको भी क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करना है आपको, जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी बचाना है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर जहां पर हो रहा है वहीं पर कंजर्व करना। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जैसे मान लो यहां पर आके पानी भर रहा है, यहां पर आकर पानी, बारिश का पानी भर रहा है, तो यहीं पर मैनेज करो, इसको कहीं और ले जाकर मैनेज मत करो। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का मतलब यही होता है। और सेफ डाइवर्जन ऑफ सरफेस रन ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर फ्रॉम दी ग्रास्ड वाटरवे। अब वही बात है ना, सेफ डाइवर्जन मतलब कि सही तरीके से उसको डाइवर्ट करके ले जाना सरफेस रन ऑफ और स्टोरेज स्ट्रक्चर में स्टोर करना। चेक डैम बना दो, डैम बना दो, बड़े बड़े आपने देखे होंगे डैम बने हुए, है ना, चेक डैम बने हुए होते हैं, है ना वो। तो ये सारे प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। सारी जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है सारा मैं ओरली आपको बता चुका हूँ। ये फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना, ये सारा है। स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाना, ठीक है, वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हो। क्लियर? फिर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा हुआ आरईओ में, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेना। और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहली चीज तो वही हो गई, अकॉर्डिंग टू लैंड, है ना, उस अकॉर्डिंग टू लैंड, लैंड की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका यूज करना, उसका डेवलपमेंट करना, है ना। लैंड की कैपेबिलिटी क्या है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आप वाटर शेड डेवलप करो, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, मैंने बोला क्या होगा, फ्लड को कंट्रोल करना, करने के लिए अपन वाटर शेड बनाते हैं। फिर वाटर सप्लाई करना किसके लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। उद्योग है तो वहां पर पानी पहुंचाओ, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए पानी पहुंचाओ, घरेलू यूज के लिए, पीने के लिए पानी यूज होना चाहिए। तो ये सारे चार ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्वेश्चन पूछा है। सोयल पॉल्यूशन को कम करो, ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज है इनको आप इंप्रूव करना है एग्रीकल्चर के लिए, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की या जो आसपास के लोग हैं, रह रहे हैं वाटरशेड के आसपास, उनकी जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बननी चाहिए, मतलब उनको इनकम के रिसोर्सेज मिलने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स है और एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसको अच्छे से करना, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट इन इंडिया, तो ये याद रखना आपको, ऑल इंडिया सोइल लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 1958 में, ये क्या करता है, इसको देखता है वाटरशेड मैनेजमेंट इन इंडिया को डेवलप करता है, ठीक। अब यहां पर इसको चार कैटेगरी में बांटा हुआ है, डिप्लीशन या डिपेंडिंग अपॉन द साइज के अकॉर्डिंग, वो पूरे वाटरशेड को चार कैटेगरी में बांटा साइज के अकॉर्डिंग। बेसिन है, कैचमेंट है, सब कैचमेंट है और वाटरशेड है। अब देखो 3200 लगभग वाटरशेड, 112 कैचमेंट, 15 नदी, 35 नदी, 500 सब कैचमेंट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ये मई 2023 का डाटा है बच्चा, है ना, याद रखना ये मई 2023 का डाटा है, उसके बाद का डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होता है तो आप चेक करके ही देखना। तो ये मई 2023 का अपडेटेड है। तो 3200 वाटर सेट, 112 कैचमेंट एरिया है, 3500 रिवर है, 500 सब कैचमेंट जोन है। जो 3200 वाटर सेट है ना, ये 3200 वाटर सेट है, ये साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। देखो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो 3200 है,
ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर्पज के बेसिस पे। मिनी वाटर सेट की साइज कितनी होनी चाहिए हेक्टेयर में, ये देखना है, हेक्टेयर में दिया है। मिनी वाटर सेट की 1 से 100 हेक्टेयर, माइक्रो की 100 से 1000, मिली की 1000 से 10000, सब माइक्रो की 10000 से 50000 और मैक्रो की 50000 से ज्यादा। तो शायद यहां से एक क्वेश्चन था जो आरईओ एग्जाम हुई थी पहले, री एग्जाम के पहले, या इस वाले चार्ट से क्वेश्चन था री एग्जाम के पहले, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर डाटा इस तरीके से हो और आपसे पूछे मिली क्या होगा, और इस तरीके से डाटा हो तो ये वाला चार्ट याद रखना है कि आपसे पूछे मिली का क्या होगा हेक्टेयर में, और इस तरीके से डाटा लिखे तो आपको 1 से 100 लगाना है मिली के लिए, माइक्रो के लिए 100 से 1000, मिनी और मिनी के बाद मिली आएगा 1000 से 10000, फिर सब माइक्रो के लिए 50000 तक और मैक्रो के लिए 50000 से ज्यादा। इस तरीके से डाटा दिए हो और एरिया हेक्टेयर में पूछा हो तब नॉर्मली ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आपने कहीं कोर्स भी ज्वाइन कर रखा हो तो ये वाला एरियाज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं हर वो चीज उठा के लाया हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले स्मॉल वाटर सेट का एरिया कितना होना चाहिए, यहां पे देखो किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो 250 किलोमीटर से कम अगर एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से, तो स्मॉल में रखो 250 से 2500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, मीडियम में रखो, और 2500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है तो लार्ज में रखो, ठीक है। ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है अगर इस तरीके से पूछ ले, और डाटा इस तरीके से दिया हो तो, है ना। ये सारी आपको अलग अलग याद करना पड़ेंगे कैटेगराइज करके, कि अगर इस तरीके से डाटा हो और यहां से पूछा जाए तो ये लगाना है हेक्टेयर में, किलोमीटर में हो, और इस तरीके से डाटा हो और स्मॉल मीडियम लार्ज पूछे तो ये वाला यूज करना है। और भी आपको बता देता हूं, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये स्क्रीनशॉट है इसलिए दिख रहा है, समझो। अगर आपसे पूछे बेसिन, ये भी किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है, याद रखना, ये भी किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में। आपसे पूछे बेसिन के लिए वाटर सेट की यूनिट 1000 से 10000 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 1000 से 10000। सब बेसिन पूछ ले तो 100 से 1000, वाटर सेट से पूछ ले तो 10 से 100, सब वाटर सेट पूछे तो 1 से 10, और माइक्रो वाटर सेट पूछे तो 0.05 से 0.5। ये देखो, अब यहाँ पे माइक्रो वाटर सेट की रेंज कुछ इस तरीके से दी हुई है, ये किलोमीटर स्क्वायर में। मैं वही बोल रहा हूं आपको, जैसा डाटा दिया हो और वैसा यहां से पूछा जाए तो उसका आंसर वो लगाना है आपको, ठीक है। एक और डाटा डिस्कस करते हैं जो वो भी पूछा हुआ है, और अक्सर आप कहीं पर आप देते होंगे टेस्ट, तो वहां पर मिलता होगा। एक ही है, माइक्रो है तो 0 से 10 लगाइए, स्मॉल है तो 10 से 40 लगाइए, मिली, ये वाला डाटा शायद पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला डाटा पूछा हुआ है। अब ये पूछा था कि 40 से अगर 100 हेक्टेयर एरिया है तो वो किस कैटेगरी में आता है, तो उसको आपको मिली में लगाना है ना। और यहां पर आ जाओ, यहां पर 40 से ऐसा डाटा नहीं है, मिली में यहां पर कौन सा है, 1000 से 10000 है, 1000 से 10000 है। ऐसा क्यों है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से यहां पर क्लासिफिकेशन दिया, हेक्टेयर में ये भी एरिया है, यहां पर मिली का 1000 से 10000 है, तो अगर 1000 से 10000 डाटा हो तो आपको इस तरीके से लगाना है। और अगर डाटा इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, कि अगर 200 से 40 से अगर 200 हो तो मिली लगाना है, ठीक है। इसलिए मैंने जितनी भी चीजें हैं सारी लेके आ गया हूं, ठीक, सब माइक्रो में 200 से 400, माइक्रो में 400 से 1000, 1000 से ज्यादा रिवर बेसिन, क्लियर है। तो किसी प्रकार का कोई सा भी डाटा आपसे दे दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें सारी उठा के ले आया मैं, ठीक है। चलो बच्चा, दूसरा इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैं सब कुछ वो चीजें सब कुछ यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह याद रखना, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और एक होता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलग अलग चीजें हैं समझना, ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो यहां पे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, IWMP, ठीक, ये कब लॉन्च हुआ था याद रखना, 2009-10 में इसको लॉन्च किया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जितने भी मैं सर्कल बना रहा हूं यहां पर, ये सर्कल मतलब जितने भी मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 2009-10। मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ना कि डेवलपमेंट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो दो ऑप्शन तो आप डिलीट कर दोगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। कितना इन्होंने टारगेट रखा है, 55 मिलियन हेक्टेयर रेन की इन्होंने टारगेट रखा है, रेनफेड लैंड की। रेनफेड लैंड वो भूमि जो सिर्फ वर्षा आधारित है, जहां पर आप रबी में और जायद में फसल नहीं ले सकते क्योंकि पानी नहीं है। तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र है, 2027 तक इन्होंने 55 मिलियन हेक्टेयर भूमि का टारगेट रखा है कि इतनी इतनी भूमि को हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंडर मैनेज करेंगे, ठीक है। चाइना के बाद ये जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये लार्जेस्ट प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड का, चाइना के बाद, मतलब सेकेंड नंबर पर है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंडिया, ठीक। चलिए,
अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्या है कि मेन गोल क्या है इसका, हार्नेस कंजर्व डेवलप डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज एस एच एच सोइल, मतलब कि कंजर्वेशन करना, मतलब आपको सोइल का कंजर्वेशन करना, सोइल को बचाना, उसमें इरोजन ना हो, है ना। लैंड को नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे सोइल है, और भी रिसोर्सेज है जैसे आपकी वेजिटेशन है, वाटर है, इनको क्या करना, कंजर्व करना, इनको बचाना, ठीक है। सोइल रनऑफ को मैनेज करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना जिसको हम रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, है ना, भूमिगत जल को बढ़ाना, क्योंकि पानी अब इतनी सारी पक्की सड़कें बन गई कि पानी बह के सीधा समुद्र में नदियों में जा रहा है, नीचे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो रहा, तो उनके लिए सब, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस करेगा, जब व्यक्ति के पास पानी होगा तभी तो मल्टी क्रॉप ले पाएगा, नहीं तो मोनोक्रॉपिंग करेगा। एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज करना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब एक सतत विकास की तरफ बढ़ना, ठीक है, और किसान की इनकम को बढ़ाना, हाउस होल्ड की इनकम को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। मेन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कैसे होगा ये, तो प्रोटेक्टिंग इंप्रूविंग डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितनी भी ये हमने बात की इन सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, तब ये चीज हो पाएगी। इकोलॉजिकल बैलेंस को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक। तो अब बात आती है ये प्रोग्राम किसका है और इस प्रोग्राम के अंदर कौन कितना पैसा लगाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है इसमें फंड ये किसके द्वारा फंडेड है, तो ये याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा फंडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इसमें हिस्सा है 90% और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है 10%। 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा जो है राज्य सरकार देगी इसको मैनेज करने के लिए। ग्राम पंचायत इसमें काफी इफेक्टिव रोल प्ले करती है, किसके लिए ग्राम पंचायत इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, पीपल के पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो लोग गांव के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चीजों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वाकई में चीजें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मनरेगा की बात करूं, मनरेगा में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार की कोई अगर स्कीम है तो वो मनरेगा है मेरी नजर में, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर दे रहा हूँ, है ना। कोई काम नहीं होता, किसानों मतलब जो है 100 दिन का पैसा खाते में आ जाते हैं, निकाल के खा जाते हैं, ये सीधा फंडा है, ठीक। तो जितनी ज्यादा स्कीम्स होगी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, ये मेरा ये मानना है। स्कीमें अगर सारी बंद कर दी जाए, सब्सिडी अगर सारी बंद कर दी जाए, हर व्यक्ति काम करना शुरू कर देगा क्योंकि इस पापी पेट के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्री में गेहूं चावल दाल आटे मिलते रहेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। छोड़िए, चलिए तो समझ के बात को, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की हमने बात की, ये रहा आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट की बात करनी, वाटर की क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, एक हैबिटेट, ये सारा क्लाइमेट चेंज, इनको इकोनॉमी में आपको मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर वगैरह सब, सोसाइटी में ड्रिंकिंग वाटर, फ्लड रिस्क है, ये सारी चीज को मैनेज करना, ये मेन उद्देश्य है। ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इससे कंट्रोल करनी है, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हमें करनी है और सोसाइटी में क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, ये इस डायग्राम से आपका हो जाएगा। अब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के कंपोनेंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं से क्वेश्चन भी लगाए होंगे ना, तो जो मैं पढ़ाऊंगा ये पढ़ाने के बाद अगर आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक। ये पढ़ाने के बाद वाटरशेड वाले ऑब्जेक्टिव में कई लोग क्या करते हैं, वो सोइल इरोजन वाले क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो अगर आपको वाटरशेड के एमसीक्यूज लगाना है तो ये वाटरशेड वाला पूरा देखना, सोइल इरोजन वाला में जो वाटर और विंड इरोजन है वो भी देख लेना, और फिर वाटरशेड के ऑब्जेक्टिव लगाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि वो भी पार्ट में पढ़ा चुका हूं सोइल साइंस के अंदर। देखो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट मतलब कि इसको मैनेज कैसे हम करेंगे। भाई बात तो हो गई, ये प्रोग्राम है कि हमें मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करना है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। भाई पहले तो जो सोइल है, मृदा है और जो जल है, इनको बचाओ भैया। सोइल में जो इरोजन हो रहा है, पानी का जो इरोजन हो रहा है, पानी जो खराब हो रहा है, पानी को बचाना पड़ेगा। तो यह है पहला कंपोनेंट। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, बारिश का पानी है उसको एक जगह कलेक्ट करना। जैसे आजकल शहरों में जो नए मकान बनते हैं ना, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये रहता है कि भाई आप अपने छत पर यह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाइए। क्यों, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ी नहीं रहा ना, सब जगह पक्की सड़कें, पानी भेह के सीधे से खा जा रहा है नदियों में और समुद्र में। तो आजकल ये होना भी चाहिए कि आप अपना जो मकान जब बनवाओ तो ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनवाओ कि पानी जो है एक पाइपलाइन के थ्रू, और या तो आप बोरवेल में डाल दो या गड्ढा बनाकर वहां पर पानी में वहां पर छोड़ सकते हो। होगा क्या, जिससे कि जितना भी बारिश का पानी आएगा वो कलेक्ट होकर एक कॉमन पॉइंट से उस बोरवेल में या एक जो आप गड्ढा खोदोगे उसके अंदर इकट्ठा होता जाएगा और ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा, ठीक। ये वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक। क्रॉप को मैनेज करना, क्रॉप को मैनेज मतलब आप क्रॉप रोटेशन यूज करो, वीड मैनेजमेंट करो, जितना भी हम क्रॉप में पढ़ते हैं, कीड़े मकोड़े मैनेज करो, ये सब क्रॉप मैनेज करना, ठीक।
अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चा कि सिर्फ आप क्रॉप ही क्रॉप मत लगाओ, पता चला आप क्रॉप ही लगा रहे हो, क्रॉप के बाद आप मान लो फॉरेस्ट्री कर लो, फॉरेस्ट्री मतलब कुछ प्लांट ट्री लगा लो, है ना, या फिर आप क्या लगाओगे ग्रासेस, ग्रासेस मतलब फोडर क्रॉप लगा लो, है ना। अल्टरनेट यूज करो, एक बार आपने क्रॉप ले ली तो एक बार आप फॉरेस्ट्री ले लो, मतलब फलदार पौधे आप लगा सकते हो, ट्री मैंगो ऑर्चर्ड वगैरह इस तरीके से, या फिर आप लगा सकते हो फोडर क्रॉप लगा सकते हो, ग्रासेस लगा सकते हो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट लैंड का यूज करना, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी जो है सोइल वो मेंटेन रहेगी, खराब नहीं होगी, ठीक। ये चार कंपोनेंट है और चारों कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन भी यहां पर मैंने रखा है। आपने ये सुना होगा अगर कहीं आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे ना, मुझे लगता है कई सारे बच्चों ने वाटरसेड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर देखे होंगे, है ना, कई सारे लोग अभी लगे हुए हैं कि भाई ये डाल दो ये अच्छा चलता है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने हार्डवेयर ट्रीटमेंट नाम सुना होगा, एक मीडियम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट नाम सुना होगा वाटरसेड के अंदर। ये होता क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि सोइल और वाटर को हम कैसे यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आप परमानेंट मेजर करो, याद रखना परमानेंट मेजर मतलब हार्डवेयर ट्रीटमेंट होता है, हार्डवेयर ट्रीटमेंट होता है, यही टर्म आपको मिलेंगे, ये कोई कंप्यूटर का टर्म नहीं है, ये परमानेंट मेजर को हार्डवेयर ट्रीटमेंट नाम दिया गया है। सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट इसको मीडियम सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट नाम दिया गया है, और जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है उसको सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट नाम दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने कहीं से ऑब्जेक्टिव भी लगाए होंगे तो, और मैं भी आपको बेहतरीन सारे ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा मैराथन क्लासेस के अंदर, ठीक है। डी नहीं है, हो डी वो इंटर मारा होगा तो डी यहां पर ले लिया गया होगा। परमानेंट मेजर का क्या मतलब है, परमानेंट मेजर का मतलब है बच्चा कि आप वहां पर जो भी सोइल को और वाटर को कंजर्व कर रहे हो परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट मतलब कि 10 साल 20 साल कम से कम देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो परमानेंट मेजर के अंदर आता है वाटर वेव, क्या आता है वाटर वेव, मतलब परमानेंट अगर आप देखोगे कि परमानेंट मेजर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज फीचर्स आते हैं, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, जिसमें आप सोइल इरोजन को कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, ये चीजें लिखी हुई है, बंड्स करोगे, टेरेस करोगे, वाटर वेव करोगे, ये परमानेंट मेजर है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के। क्या अब क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि निम्न में से परमानेंट मेजर्स कौन कौन से हैं, बंड्स चाहे कंट्रोल बंड हो या ग्रेडेड बंडिंग हो, टेरेस चाहे बेंच टेरेसिंग हो या जिंक टेरेसिंग हो, और वाटर वेव, समझ गए। यही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा जो है परमानेंट मेजर है वाटर मेज मैनेजमेंट का, ठीक। तो ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, बंस टेरेस और वाटर वे। बंस के अंदर दो मिल जाएगा आपको, कंटूर बंस और ग्रेडेड बंस, ठीक। अब वाटर वे क्या होता है, विद एंड विदाउट वेजिटेशन ग्रासेस वाटर वे ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ वाटर। जो रन ऑफ वाटर है उसके लिए बात करें कि जो रन ऑफ वाटर है उसके लिए आप चाहे विथ या विदाउट वेजिटेशन आप कर सकते हो वाटर वेव का सेफ डिस्पोजल कर सकते हो। सेफ डिस्पोजल का मतलब यही है कि जो रन ऑफ वाटर है उसको आप वाटर वेव के थ्रू मैनेज कर सकते हो, सीधा सा फंडा है, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर इसका नाम याद रखना कि वाटर वेव जो है वो परमानेंट मेजर के अंदर आता है, मतलब हार्डवेयर ट्रीटमेंट के अंदर आता है, ठीक। दूसरा है बंड, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आप कहां पे पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे जहां पर सोइल इरोजन मैंने पढ़ाया है। बंड्स में आता है आपका कंटूर बंड्स, ग्रेडेड बंड्स, इनका स्लोप पूछ लेते हैं। कंटूर बंड्स में जो रेनफॉल है, मतलब लो रेनफॉल एरिया में कंटूर बंडिंग करते हैं, याद रखना लो रेनफॉल एरिया में कंटूर बंडिंग करते हैं। कितनी लो रेनफॉल, 600 mm से अगर कम रेनफॉल है वो लो रेनफॉल एरिया है, और उसमें हम करेंगे कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग करोगे, ठीक। और उसके लिए स्लोप कितना, 6% अपटू 6% तक स्लोप रखोगे, अपटू 6% तक स्लोप रखोगे। कंटूर बंडिंग क्या होता है, पहाड़ों पे हिली रीजन पे जो आप खेती करते हो उसको कंटूर बंडिंग बोलते हैं। तो जहां पर अपटू 6% स्लोप है और वहां पर रेनफॉल अगर 600 mm से कम हो रही है वहां पर कंटूर बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग जो होता है हाई रेनफॉल एरिया में करोगे, जहां पर 600 mm से ज्यादा बारिश होती है वहां पर आप ग्रेडेड बंडिंग करोगे, और ये कब, जहां 2 से लेके 6% स्लोप होता है वहां पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो यही पूछा जाता है कि निम्न में से परमानेंट मेजर कौन सी है, तो वहां पे आपको कंट्रोल बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, वाटर वेव, ऑल ऑफ दिस मिल सकता है, ठीक। और कंट्रोल बंडिंग कितने स्लोप से करते हैं, 6, ग्रेडेड बंडिंग कितने करते हैं, 2 से 6। कंट्रोल बंडिंग कब करते हैं, लो रेनफॉल एरिया 600 mm से कम, ग्रेडेड बंडिंग कब करते हैं, हाई रेनफॉल एरिया 600 mm से ज्यादा। कई सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, ठीक। दूसरा आता है टेरेस, टेरेस में दो तरीके मिल जाएगा, है ना, बेंच टेरेसिंग, ये परमानेंट मेजर है। बेंच टेरेसिंग मतलब इस तरीके से आप करते हो ना, टेरेस बना देते हो, ये टेरेस बना देते हो पहाड़ पे, ये और यहाँ पे पौधे लगाते हो, ये पौधे लगा दिए, है ना, तो ये परमानेंट मेजर है, आपने ये बना दिया टेरेस तो ये तो परमानेंट हो गया, है ना, इसको बार बार थोड़ी ना बनाओगे। तो जैसे बेंच टेरेसिंग, बेंच टेरेस में 16 से 33% रखते हैं मोस्ट IMP, बेंच टेरेसिंग में 16 से, ये बेंच बन गई, ये बेंच बन गई, यहाँ पे बैठे आप, आपको बिठा दें, यहाँ ये बेंच टेरेसिंग हो गई,
तो 16 से 33% यहाँ पर स्लोप रखते हैं बेंच टेरेसिंग के अंदर, क्लियर है, ये परमानेंट मेजर है। जिंक टेरेसिंग में कितना रखते हैं, जिंक में एक जिंक टेरेसिंग होता है, जिंक टेरेसिंग में कितना आप स्लोप रखते हो, तो याद रखना 3 से लेकर 10% स्लोप रखते हैं जिंक टेरेसिंग में, ये भी परमानेंट मेजर के अंदर आ जाएगा। तो परमानेंट मेजर में कौन क्या क्या चीज है, आपका वाटरवे आ जाएगा, बंड्स में कंट्रोल बंड और ग्रेडेड बंड आ जाएगा, प्लस आपका टेरेस है, टेरेस के अंदर आपका बेंच टेरेसिंग और जिंक टेरेसिंग आ जाएगा, क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर ट्रीटमेंट के अंदर आता है या परमानेंट मेजर के अंदर आता है, चीजें समझ में आ रही ना बच्चा। चलिए अब बात करते हैं सेमी परमानेंट मेजर। सेमी परमानेंट मेजर मतलब होता है कि अब हमने परमानेंट की बात करी, हार्डवेयर मतलब जिनको एक बार बना दिया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेमी परमानेंट का मतलब होता है कि कम से कम 2 से 5 साल तक आप उसको यूज कर सकें। परमानेंट मतलब आपने एक बार बना दिया कंटूर, है ना, आपने इस तरीके से पहाड़ पे जो है इस तरीके से आपने क्या बना दिया, तो ये परमानेंट हो गया, लॉन्ग लाइफ चलेगा, है ना, आपको देखने की जरूरत नहीं 20-50 साल। और सेमी परमानेंट या आपको बोल सकते हो सेमी सॉफ्टवेयर मेजर, सेमी सॉफ्टवेयर मतलब जो 2 से 5 साल तक आप यूज कर सको, 2 से 5 साल तक आप यूज कर सको, ठीक। मतलब यहां पर आप क्या करोगे, फील्ड साइज आर लार्ज इन कन्वेंशनली बंडेड एरिया, दे अडॉप्टेड मिनिमम वेलोसिटी ओवर लैंड फ्लो एंड मेजर में लॉस अप टू 2 to 5 ईयर, मतलब 2 से 5 साल आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अंदर क्या आता है, इसमें आपको ये नहीं भी पढ़ोगे इसको छोड़ देना, बड़े क्या है कोई मतलब नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा सेमी परमानेंट मेजर मतलब सेमी या मीडियम, क्या बोला था हमने इसको, मीडियम सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट, मीडियम सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो पहला ये याद कर लेना, स्मॉल सेक्शन या की लाइन बंड्स, स्मॉल सेक्शन और की लाइन बंड्स। दूसरा क्या आता है, स्ट्रिप लेवलिंग आती है, स्ट्रिप लेवलिंग आती है। तीसरा आता है लाइव बेड्स, लाइव बेड्स आता है। चौथा आता है वेजिटेटिव आर लिविंग बैरियर्स, वेजिटेटिव आर लाइव बैरियर। ये चार जो मेजर है ये आती किसके अंदर, मीडियम सॉफ्टवेयर मेजर या सेमी परमानेंट मेजर के अंदर आती है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा सेमी परमानेंट मेजर है, तो ये चार नाम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब स्मॉल सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, 2 से 3 साल मैंने बोला ना, 2 से 3 साल तक ये चले, स्लोप हाफ एट दी वर्टिकल बंड्स स्पेसिंग, कुछ भी नहीं है, जो हमने ऊपर किया था ना उसी के ये मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन ये जो है परमानेंट ही होते, 2 से 3 साल बाद ये वापस से इनको रिक्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। स्टिप लेवलिंग आपको पता है, ये स्टिप मतलब स्लोप होता है, तो इसको आप लेवल करो, लेवल कैसे करोगे, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 मीटर, ठीक है, 4 से 5 मीटर आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप हैरो ले सकते हो, है ना, जो हैरो मतलब क्या होता है, हैरो जो अपना सेकेंडरी टिलेज ऑपरेटर है उससे आप क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो 4 से 5 मीटर का स्ट्रिप, ठीक है, 4 से 5 मीटर स्ट्रिप लेंस को आप क्या करो, लेवल करो, ठीक, बंड्स एक्रॉस दी बंड्स, जो बंड्स आपके बने हो उसके एक्रॉस एक्रॉस, ठीक, और जिससे क्या होगा, वेलोसिटी और सरफेस फ्लो है वो कम हो जाएगा, जो वेलोसिटी है सरफेस फ्लो की, जो बहाव है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, उसको लेवल कर रहे हो, मान लो ये स्लोप है, ये स्लोप ऐसा है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको यहां से घिस 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 कर इसको ऐसा लेवल कर लोगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हर बार बारिश होगी 2-3 साल में वापस वो स्लोप बन जाएगा, पानी बह के वापस वो स्लोप क्रिएट हो जाएगा, तो फिर इसको वापस करना पड़ेगा। लाइव बेड का मतलब क्या होता है बच्चा, लाइव बेड का मतलब होता है जैसे आप फील्ड में बेड बनाते हो, है ना, इस तरीके से मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड में आप बनाते हो बेड, है ना, बीज तैयार करने के, पौधे तैयार करने के लिए, तो वैसे ही क्या करो, जो स्लोपी एरिया है वहां पर इस तरीके से बेड बना दो, बेड बनाकर क्या करो वहां पर प्लांट्स लगाओ, तो आप 2 से 3 मीटर का आप क्या बना सकते हो वहां पर कंटूर पर क्या बना सकते हो, बेड बना सकते हो, तो ये लाइव बेड भी उसी में आएगा। आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेगा कि सेमी परमानेंट मेटर या मीडियम सॉफ्टवेयर मेजर कौन कौन से, ये चार है। आप वेजिटेशन लगा सकते हो, लाइव बैरियर मतलब वही है ना, आपने क्लोज ग्रोइंग ग्रासेस लगा दी, लेग्यूम क्रॉप्स लगा दी, ये क्या करती है, ये सोइल इरोजन को कंट्रोल करती है, जो पास पास में क्रॉप होती है सोइल इरोजन को कंट्रोल करती है, तो ये हो गया। फिर आता है आपका टेम्परेरी सॉफ्टवेयर मेजर। अब सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट और टेम्परेरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, टेम्परेरी और सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है यहाँ पर समझना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें अंदर आएगी आपकी कंटूर फार्मिंग, अब कंफ्यूज नहीं होना, कंटूर बंडिंग परमानेंट मेजर के अंदर है, कंटूर फार्मिंग टेम्परेरी के अंदर है, ठीक। आपका आ जाएगा यहाँ पर कंपार्टमेंटल बंडिंग, ये सब इसको एक जगह लिख लेना कि भाई टेम्परेरी के अंदर ये, सेमी मीडियम के अंदर ये और परमानेंट के अंदर ये। ब्रॉड बेड फेरो है ना, ब्रॉड बेड फेरो आपका टेम्परेरी के अंदर, डेड फेरो ये भी आपको। चलिए बच्चों, हम टेम्परेरी मेजर्स के बारे में बात कर रहे थे और बात कर हम कर रहे थे टेम्परेरी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर थी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सिंपल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट आता है, जो टेम्परेरी मेजर आता है, मतलब जिनको हमें बार बार करना पड़ता है, हर सीजन में करना पड़ता है, जैसे इसके अंदर क्या आता है, कंट्रोल फार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना
ऊपर क्या था, परमानेंट मेजर के अंदर कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग था, जो परमानेंट मेजर में था, जिसको हम हार्डवेयर टेक्निक्स बोल रहे थे, हार्डवेयर ट्रीटमेंट्स बोल रहे थे, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। कंट्रोल फार्मिंग आप करोगे 4 महीने बाद, फिर नेक्स्ट सीजन में फिर आपको कंट्रोल फार्मिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये बार बार आपको करना पड़ेगा। जैसे कंपार्टमेंटल बंडिंग, जो बंडिंग आपको करनी पड़ेगी, इसमें ब्रॉड बेड फरो मेथड आप यूज करते हो, लिखा है यहाँ पे डेट फरो आप यूज करते हो, टिलेज आप यहाँ पर करते हो, मल्चिंग आप करते हो, ये टेम्परेरी या सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट है, या आपको नाम दे देगा कि ब्रॉड बेड एंड फरो मेटर इज द वाटर मैनेजमेंट टेक्निक या कंपोनेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, नीचे ऑप्शन रहेगा परमानेंट, टेम्परेरी या सेमी मीडियम, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया क्या कि जो कंपोनेंट थे उनके बारे में। अब यहाँ पे आता है थर्ड सेकंड जो आता है वो आता है वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जो भी बारिश का पानी आ रहा है उसको हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, जो बारिश का पानी आ रहा है उसको हमें कलेक्ट करना है। क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में जब बारिश कम होगी या बारिश नहीं होगी, या फिर जो ड्राई एरिया है, जो सूखा क्षेत्र है, वहां पर पानी की कमी है ना, तो वहां पर पानी की कमी है तो उसके लिए हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि उस सीजन में अगर हमें कोई क्रॉपिंग लेना है या डोमेस्टिक यूज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की अगर प्रॉब्लम है तो डोमेस्टिक यूज के लिए पानी अगर हमें चाहिएगा, हमारी एनिमल्स के लिए पानी चाहिएगा, तो हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक मेथड है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर। ठीक है, सबसिक्वेंट यूज मतलब आगे जब भी हमें जरूरत लगेगी तो जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करो और उसको स्टोर कर लो। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाटर हार्वेस्टिंग आप कर रहे हो तो एक हेक्टेयर एरिया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, एक हेक्टेयर एरिया के लिए अगर आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो आपको किस साइज का पॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब जो आप टैंक बना रहे हो, जो आप तालाब टाइप का जो गड्ढा आप खोद रहे हो, वो एक हेक्टेयर एरिया के लिए कितना चाहिए, तो वो चाहिए 250 से 300 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इसको मीटर क्यूब कर लेना, क्यों, क्योंकि आप पॉइंट की साइज क्या होती है, पॉइंट की जो है विड्थ भी रहती है ना, मतलब डेप्थ भी रहती है, विड्थ भी रहती है और लंबाई भी रहती है और चौड़ाई भी रहती है। ठीक है, थ्री डायमेंशन होता है, वो थ्री डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये मीटर क्यूब कर लेना है इसको, 250 से 300 मीटर क्यूब, मतलब पॉन्ड की साइज क्या होगी, एक हेक्टेयर एरिया के लिए पॉन्ड कितना साइज कितना लगेगा, 250 से 300 मीटर क्यूब लगेगा। ठीक, इसको सुधार लेना। फिर हैवी टेक्सचर सोइल ग्रेडेड बंडिंग डन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। अब मान लो कोई हैवी टेक्सचर सोइल है, आपको क्या करना है, वहां पर ग्रेडेड बंडिंग करना है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप वो कर सकते हो। इसके तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से, कैचमेंट एरिया, स्टोरेज बॉडी और कॉमन कमांड एरिया। अब कैचमेंट एरिया वही हो गया जिसको हमने वाटर सेट बोला था, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हैं वाटर सेट को। तो जहां पर पानी, बारिश का पानी जो है, द पार्ट ऑफ लैंड दैट कंट्रीब्यूट द रेन वाटर, मतलब कि जहां पानी बह के आ रहा है, वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहां से बारिश का पानी जो है बह के आकर यहां पर क्या हो रहा है, आ रहा है, ये वो एरिया, ये कैचमेंट एरिया है। ठीक है, ये कैचमेंट एरिया जहां से पानी जो बह के एक जगह आ रहा है। दूसरा स्टोरेज बॉडी, मतलब वो पॉन्ड, वो एरिया जहां पर पानी आकर स्टोर हो रहा है यहां पर। फिर कमांड एरिया, मतलब यहां पर वो एरिया, यहां से आप पानी जो आगे यूज करने के लिए ले रहे हो। ठीक है, ये आपका कमांड, मतलब कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ये वाटर सेट वाला ही सिस्टम है। तो यहां आ गया, ये आपका कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक, यहां आपका पानी इकट्ठा हो गया, फिर यहां से आप आगे यूज करने के लिए ले जा रहे हो। तो कैचमेंट एरिया जहां पर पानी आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है रेन, जो बारिश का पानी एक जगह पे आ रहा है जहां से बह गया। स्टोरेज बॉडी, वो एरिया, वो जगह जहां पर पानी आकर रिस्टोर हो रहा है। ठीक, और कैचमेंट एरिया मतलब वो जगह जहां से आप आगे यूज कर रहे हो स्टोर पानी को। ठीक, ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग में बस साइज याद रखना और तीन क्या चीजें याद रखना। क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें, क्रॉप मैनेजमेंट आप अच्छे से जानते हो, क्रॉप मैनेजमेंट क्या चीज आती है, क्रॉप मैनेज मतलब टिलेज ऑपरेशन आ गया, आपका क्रॉप रोटेशन आ गया, ये सारी चीजें आती है। देखो, लोकेशन स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर ड्राईलैंड क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द ड्राईलैंड रिसर्च सेंटर एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर द क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम विच इज इंक्लूडेड। तो जहां भी ड्राई एरिया होता है तो कुछ ड्राई रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे क्रीडा है हमारा, है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो इन एरिया में काम करती है। और वो क्या क्या काम करती है, देखो, एक तो पहली चीज आता है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। अगर आपका सूखा क्षेत्र है जहां पर बारिश कम हो रही है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप चुनो। क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब यही है ना कि भाई जैसे आप ज्वार लगा लो, बारले लगा लो, है ना, कोदो कुटकी लगा लो, जिनको कम पानी चाहिए, है ना, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सोइल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, आपके पास पानी है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग आपको क्रॉप को सिलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रॉपिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, पूरे सीजन में। ठीक,
ऑप्टिमम सोइंग टाइम, सोइंग टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अर्ली सोइंग करना है, लेट सोइंग करना है, पानी की कमी है तो अर्ली सोइंग कर दो, क्यों, क्योंकि जो बारिश का टाइम रहता है उसमें सोइल मॉइस्चर बना रहता है तो अर्ली सोइंग कर सकते हो, ठीक इस तरीके से। तो सोइल टाइम भी क्या करता है, वो भी मॉइस्चर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर शेड्यूल, कब आपको फर्टिलाइजर देना है, ये सारी चीज, न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कब आपको अप्लाई करना है, क्रॉपिंग सिस्टम की बात ऊपर हमने कर ली, वीट मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक, कंटिंजेंट क्रॉपिंग आपको करना है, कंटिंजेंट क्रॉपिंग मतलब कि किस तरीके से आप क्रॉप को रख रहे हो, एक क्रॉप ली, एक क्रॉप के बाद आप दूसरी क्रॉप कब ला रहे हो, इस तरीके से आपको पूरा क्रॉप को मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है, ठीक है। कैच क्रॉप आप ले सकते हो, एक क्रॉप खराब होने के बाद कैच क्रॉप ले सकते हो, है ना, कैच क्रॉप ले सकते हो, कई सारी चीजें यहाँ पर, क्रॉप रोटेशन आप ले सकते हो। अब आता है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम जो लिखा हुआ है आप पढ़ लेना, मैं सीधा समझा देता हूँ। अल्टरनेट लैंड यूज का सिस्टम है, जैसे मान लो ये आपकी भूमि है, यहां पर आपने पहले ली क्रॉप, ठीक, क्रॉप के बाद आप नेक्स्ट क्या ले लो, फॉरेस्ट क्रॉप ले लो, है ना, फॉरेस्ट लगा लो, फॉरेस्ट क्रॉप मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी आप ले सकते हो, लकड़ी के लिए कोई सागौन लगाता है, कोई कुछ लगाता है वो ले सकते हो। उसके बाद आप ग्रासेस, है ना, ग्रासेस मतलब फोडर क्रॉप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, फोडर क्रॉप लगा सकते हो। तो लैंड को है ना अल्टरनेट यूज करो, ऐसा नहीं कि लगातार आप 10-20 साल से क्रॉप ही क्रॉप लगा रहे हो, नहीं, लैंड को क्या करना है आपको, अल्टरनेट यूज करना है, ये सिस्टम इसका। तो उसका फायदा ये लिखा हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस यूज रहेगा, रिसोर्स का अच्छी यूज कर पाओगे आप, है ना, आप जो है लेस डिपेंडेंट रहोगे ऑफ सीजन इनपुट, जो है फार्म के इनपुट से उन पर लेस डिपेंडेंट रहोगे, तो ये इतनी सारी चीजें हैं। फिर वाटर सेट मैनेजमेंट रिलेटेड टू इनिशिएटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये IMP है, क्यों IMP है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य का है। हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पहला क्वेश्चन, हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस राज्य का है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट किसका है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। देखो हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का जो है ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ठीक। दूसरा ये, इसमें ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत लेवल विद द पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब जो गांव के लोग हैं इनका भी एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन रहेगा, और उसको कौन मॉनिटर करेगा, ग्राम पंचायत मॉनिटर करेगी, उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, उनकी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो ग्राम पंचायत जो है वो इस प्रोजेक्ट को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। कहाँ का है ये बच्चा, ये हरियाणा का है, हाँ से हरियाली, हाँ से हरियाणा, ठीक, कहाँ का प्रोजेक्ट लिखा हुआ नहीं, लिख लेना, हरियाणा का है, ठीक। आगे बात करते हैं इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, सारा लिखा हुआ है, ठीक है। हार्वेस्टिंग एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, जितनी भी पानी आ रही है सबको इरिगेशन में, प्लांटेशन टू क्रिएट द सस्टेनेबल रिसोर्सेज फॉर इनकम ऑफ विलेज कम्युनिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, वही चीज है, घूम फिर कर वही चीज है। अगर कोई भी राज्य वाटर सेट प्रोग्राम चला रहा तो उसका पीछे पर्पज क्या है, रीजन क्या है, एक तो इरीगेशन प्रॉपर फार्मर्स को मिल जाए, गांव के लोगों को पीने का पानी मिल जाए, शहर के लोगों को पीने का पानी मिल जाए, इस तरीके की चीजें सारी होती है, ठीक। गांव के लोगों की जो इनकम है, विलेज कम्युनिटी, उनके इनकम के सोर्स जनरेट हो जाए, ठीक, इस तरीके से। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रूरल पीपल का, क्रिएटिंग रेगुलर सोर्सेस ऑफ इनकम, उनको डेली जो है उनके इनकम के सोर्स जनरेट हो, ठीक। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे है वो अपना जो है स्तर वो सुधार सके, यही सारी चीजें, ठीक है, यही सारी चीजें इसके अंदर है। पर मेन क्वेश्चन क्या है कि जो हरियाली प्रोजेक्ट है, हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट है, वो कहां पर चल रहा है, हरियाणा में किसके थ्रू चल रहा है, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों फंडिंग से या दोनों के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। दूसरा आपसे अगर पूछा जाए कि ये नीरू मीरू नाम ही है ना, नीरू मीरू जय वीरू, ऐसा याद रख सकते हो, नीरू मीरू जय वीरू, है ना, जय वीरू जैसा। नीरू का मतलब होता है बच्चा, ऐसे पूछा जा सकता है कि नीरू का मतलब क्या है, नीरू का मतलब वाटर है ना, जल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नीर, है ना, नीर बोलते हैं, है ना, नीर भरण चाली, है ना, बना है ना वो 52 गज का दामन पेन, नीर भरण चाली, तो नीरू का मतलब होता है वाटर, और मीरू का मतलब होता है यू, तो वाटर एंड यू, आप और पानी, है ना, आप और पानी, ये कहानी नीरू मीरू की। ये जो प्रोग्राम है बच्चा, सबसे पहले तो नीरू मीरू ये कहाँ का है याद रखना, ये आंध्र प्रदेश का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि नीरू मीरू जो प्रोजेक्ट है वाटर सेट से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, वो कहाँ का है, तो वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अरवारी पानी, ठीक है, अरवारी पानी जो है ये कहाँ का है, ये प्रोजेक्ट है राजस्थान का, अलवर राजस्थान का, याद रखना, अरवारी पानी
संसद इन अलवर राजस्थान हैव बिगन बिल्डिंग द वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. कई सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं आप बताऊंगा भी सही अभी. जैसे ये जिहाद लिखा ना, जिहाद, जिहाद पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का नाम है ये, डग आउट पॉन्ड जिसको जिहाद बोलते हैं. मैं अभी बहुत सारे आपको नीचे दिखाऊंगा, है ना. तो कई सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चेक डैम बने हुए हैं, जिसको अरवारी पानी के नाम से जाना जाता है. और ये कहाँ का प्रोजेक्ट है ये समझ लो, ये राजस्थान का है. अभी बताऊंगा बहुत सारे नाम. और आपने ये वाला तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं खादिन. ये खादिन क्या है? ये वाटर स्ट्रक्चर है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है खादिन. अभी आएगा नीचे बताऊंगा. इसलिए मैंने सारी चीजें जहां से भी क्वेश्चन बना वो सारी चीजें नोट्स के अंदर और इंक्लूड की है, ताकि मैं आपको बता सकूं और आप पूरा पूरी तरीके से प्रिपेयर एग्जाम को लेके. एक तमिलनाडु में भी चल रहा है मैंडेट फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, है ना, तमिलनाडु के में भी चल रहा है. पर नाम वगैरह ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि क्या है वो. ठीक, चलो, वहां पर इन्होंने क्या बोला है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होम आर रिक्वायर्ड. इन्होंने क्या कहा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो आपके घर बना रहे हो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए. मैंने पहले ही बताया था कि आजकल शहरों में ये हो गया है. नगर निगम जो है अप्रूवल तभी देती है, शायद सब जगह तो नहीं, पर तमिलनाडु का तो यहाँ पर है, मैंडेट है कि जब भी आप मकान बनाओ तो मकान की छत आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एज ए वाटर स्ट्रक्चर, वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर का काम करे. पानी एक जगह आकर कलेक्ट हो, इकट्ठा हो, और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो हो, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो उसमें कंट्रीब्यूट करे. ठीक है, तो विदाउट बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्टिंग नो बिल्डिंग कैन बी बिल्ड. ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग में, बिल्डिंग पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो तो आपको बिल्डिंग बनाने नहीं दी जाएगी, नहीं बना सकते. ठीक, ये तमिलनाडु में. तो आपको क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जहां पर जो मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहां पर वाटर स्ट्रक्चर जो है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो तमिलनाडु. बात मध्य प्रदेश की है ना, मध्य प्रदेश में एग्जाम है आपकी आ रही हो. तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कितने 494 वाटर सेट प्रोजेक्ट जो कवर करते हैं 20.066 लाख हेक्टेयर एरिया को, ठीक है, टू मैनेज बाय इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एट स्टेट लेवल. नाम क्या है? राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट. राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट जो है, इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किस प्रोजेक्ट के अंदर, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर 494 वाटर सेट प्रोजेक्ट यहां पर सेंक्शन किए हैं. और इसके लिए टोटल कितनी 20 लाख हेक्टेयर आप जो है लैंड को मैनेज यहां पर करोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, किसमें, राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, अब ये किसके अंदर चल रहा है, किसके अंदर ये काम कर रहा है, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कब आई थी, है ना, 2015 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर में ये सारी चीज काम करेगी. यहाँ पर मोर क्रॉप रोड ये किसका है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है पार्ट है. 1 जुलाई 2015 को ये आई थी स्कीम. ये स्कीम के बारे में हम अलग से थोड़ा सा देखेंगे इसको, बस इतना याद रखना है कि 1 जुलाई 2015 को ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है, तो इसी के अंदर ये सारा काम होता है वाटरशेड मैनेजमेंट वाला आजकल. ठीक है, चलिए ये सारे प्रोग्राम आप देख लेना. चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक ही है एमपी में, जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ. एमपी वाटर, मध्य प्रदेश वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो भोपाल में, वाल्मी नाम है. ठीक है, क्या नाम है, वाल्मी. क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे वाटर में, वाटरशेड मैनेजमेंट के सेक्शन में या क्वेश्चंस में, कि मध्य प्रदेश वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट कहां पर है, तो भोपाल में है. या वाल्मी पूछ सकता है कि वाल्मी का मतलब क्या होता है, तो एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. ठीक, चलो, ये एक प्रकार का ऑटोनोमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. ठीक, क्या प्रोवाइड करता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, देखो, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंडर में 31 अगस्त 1985 को ये एस्टैब्लिश किया गया था. कौन सा, वाल्मी. ठीक है, वाल्मी जो है 31 अगस्त 1985 को ये एस्टैब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर. ठीक, इट इज स्प्रेड ओवर 89 हेक्टेयर ऑफ लैंड. कितना, लगभग 90 हेक्टेयर लैंड में ये फैला हुआ है. एंड राइट बैंक ऑफ कलियाशोट डैम, ये डैम का नाम भी लिखा है, किस डैम की यहाँ पर चर्चा की गई है. ठीक, चलो, तो वाल्मी क्या है बता दिया मैंने, क्या काम करता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह, रिसर्च वगैरह कंडक्ट आप करते हैं, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, लैंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सारा यहाँ पर एक साथ काम होता है इन सब में ट्रेनिंग. दूसरा आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा पूछ लिया जाए कि नैनो वाटर सेट प्रोग्राम कहाँ पर चल रहा है, नैनो वाटर सेट प्रोग्राम कहाँ पर चल रहा है, तो आपको लिखना क्या है, मध्य प्रदेश में चल रहा है नैनो वाटर सेट प्रोग्राम. कहां पर, मध्य प्रदेश में. और किसके अंडर में चल रहा है, देखो, मध्य प्रदेश वाटर लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल, मतलब वाल्मी के अंडर में ये चल रहा है. ठीक है, किसके अंदर में, वाल्मी के अंदर में. ठीक, इंपार्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, ये सारी चीजें इसके अंदर है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. मेन चीज ये है कि नैनो वाटर सेट कहां पर चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर किस
प्रोजेक्ट के अंदर या किस इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहा है, तो वाल्मीकि भोपाल जो है हमारा 1985 में बना था 31 अगस्त, तो उसके अंडर में चल रहा है। ये सारे इसके जो है बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव्स है कि ये कैसे काम करता है। मेन चीज बता देता हूँ इसमें क्या है, मेन चीज ये है। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड, जो भूमि का ढलान है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है पूरा एरिया उसको 3 रीजन में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है, जो भूमि का ढलान है एरिया का, पूरे एरिया का भूमि का ढलान है उसको 3 रीजन में बांटा। फॉर 1 हेक्टेयर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल बी फॉलो, अगर 1 हेक्टेयर एरिया है तो जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, तो रिचार्ज जोन 30% एरिया रहेगा, स्टोरेज जोन 30% एरिया और यूटिलाइजेशन जोन 40% एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बस किसके अंदर, नैनो वाटर सेट के अंदर। नैनो वाटर सेट के अंदर ये है कि जो पूरा जो एरिया है वो डिवाइड किया गया है, उसमें रिचार्ज जोन का परसेंटेज कितना है, स्टोरेज जोन का कितना है, यूटिलाइजेशन जोन का कितना है, ये एमपी वाला पार्ट है। और जो आपको मैंने बताया था सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर लिख लेना ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। देखो ये बाबा आदम के जमाने से लेके अभी तक जितने भी हो रहे हैं सारे मैं आपको बताऊंगा, जो राजा महाराजा यूज कर रहे थे वो वहां से लेकर अब सारे ये सारे आप क्या चलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो बस मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, पढ़ लेना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्या लिखा है, झलारा। ठीक है, क्या लिखा है, झलारा। अब ये जो है रेक्टेंगुलर शेप स्टेप वेल्स एंड हैविंग टायर्ड स्टेप्स ऑन द 3 or 4 sided। अभी कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछना चाहेगा तो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि ये किसको बोलते हैं झलारा को। ठीक है, ये झलारा को। अब ये होता क्या है ये देख लो, बस होता क्या है ये देखो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं झलारा। ठीक, अब ये झलारा कैसा है, आपको स्टेप वेल्स दिख रही है, सीढ़ियां दिख रही है चारों तरफ से, चारों दीवारों पर इस तरह की सीढ़ियां आपको दिखेगी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा होगा झलारा में, टिपिकली रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार है, यहाँ पर क्या है स्टेप वेल टायर्ड स्टेप्स ऑन द 3 or 4 sides, 3 या 4 तरफ से यहाँ पर क्या है इस तरह की स्टेप्स बनी हुई है। ये 1, 2, 3 sides होगा, शायद सामने वाली साइड से नहीं होगा या हो भी सकता है। ठीक, दूसरा आपको मिला है यहाँ पर तालाब, या इसको क्या बोलते हैं, बांदी, बांदी जो और हो सकता है राजस्थान के लोग अच्छे से जानते होंगे प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, तालाब बोलेंगे या बांदी, बांदी इसको बोलते हैं। तो ये सीधा आपसे ये पूछेगा कि टेबल्स आर रिजर्वियर डेट स्टोर वाटर फॉर हाउसहोल्ड कंजप्शन एंड ड्रिंकिंग पर्पज, दे मे बी नेचुरल सचस या पोखर या पॉन्ड्स ऑफ टीकमगढ़ इन बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, टीकमगढ़ के जो बुंदेलखंड रीजन है, पोखरिया वाला जो रीजन है, वहां पर इस तरीके के नेचुरल नेचुरल आपको दिखेंगे, नेचुरल जो है नेचुरल भी है आर्टिफिशियल भी है दोनों तरीके से, यह राजा महाराजा के टाइम पे बने हुए हैं ना, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, नेचुरल में भी नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो ये आपको देखो ये जो ज्यादातर आपको मिलेंगे जैसे कि जो उदयपुर की जो झीलें हैं वो, ठीक है, less than 5 बीघा, 5 बीघा से कम का जो एरिया है यहाँ पर बात की गई है उसको हम तालाब बोलेंगे। ठीक, तलाई बोलेंगे। अगर आपका जो एरिया है 5 बीघा से कम है, less than 5 बीघा, 5 बीघा मतलब लगभग 1 हेक्टेयर आप बोल सकते हो, हमारे इधर 1 बीघा चलता है और बीघा का मतलब 1 हेक्टेयर, तो 5 बीघा मतलब लगभग 5 बीघा से कम अगर साइज है तो उसको हम तलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलाई। ठीक, और मीडियम साइज लेक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बांदी। ठीक है, बिगर लेक को आप क्या बोल सकते हो, सागर या सामांड बोल सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, पुराने जमाने के यूज होते थे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, पानी पीने के यूज में लेने के लिए। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। फिर आता है बवारी। ब्रवारी क्या है, ब्रवारी एक यूनिक स्टेप वेल देट वेर वंस ए पार्ट ऑफ द एशियन नेटवर्क ऑफ वाटर स्टोरेज। पुराना प्राचीन काल में पानी को स्टोर करने का जो एक स्ट्रक्चर था उसको बवारी बोलते हैं, बावरी, बवारी नहीं इसको बोलते हैं बावड़ी, आप हिंदी में लिखोगे तो इसको शायद बावड़ी बोलते हैं, है ना, बावड़ी, बावड़ी बोलते हैं। तो यहाँ हिंदी में इंग्लिश में बावरी है, मतलब शायद बावड़ी बोलते हैं, हमारे इधर बावड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एशियन टाइम का, प्राचीन टाइम का जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके की होती थी बावड़िया। क्लियर है, ये प्राचीन टाइम पे। फिर आता था टंका, ये इस तरीके से टंका आपको मिल जाएगा। टंका क्या है, आप ये से मिल सकता है, सिलेंड्रिकल पावर अंडरग्राउंड पीट इनटू विच रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप कोर्ट यार्ड एंड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कैचमेंट फ्लो। मतलब कि या तो जो पानी क्या है आपका छत का पानी है, मतलब जो बारिश का पानी छत से आ रहा है वो कोर्ट यार्ड वाला पानी आ रहा है, या फिर आपने आर्टिफिशियल क्या बना दिया कि भाई बारिश का पानी आएगा, आपने एक चैनल बना दिया यहाँ से सीधे इसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टंका, एक स्ट्रक्चर बना दिया टंका टाइप का, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अंदर गड्ढा है पूरा, और ये 4 से 5 मतलब 5 से 6 फैमिली मेंबर है, अगर मान लो एक फैमिली में 5 से 6 मेंबर है तो पूरे साल भर का सफिशियंट पानी उनके लिए यहाँ पर रहता है इस टंका के अंदर। ठीक, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप यहाँ पर इसको एक बार जरूर देख लेना क्या है ये। ये अहर पाइंस है ना, अहर पाइंस कैसे दिखती है ये देखो, ये इसको बोलते हैं अहर पाइंस।
तो ऑब्वियसली बात ये खेत के आसपास है, तो ये इरिगेशन में यूज होती होगी अहर पाइंस साउथ बिहार में। आपसे ये पूछ लेगा कि अहर पाइंस कहाँ की है, साउथ बिहार की है ना, साउथ बिहार में इसको जनरली यूज करते थे। क्लियर। अब लो रेनफॉल एरिया है या वहां पर इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते थे अहर में। ये लिखा है अहर फॉर द इरिगेशन, अहर यूज करते थे इरिगेशन के लिए। फिर है आपका जोहत ना, जोहत ये इस तरीके से दिखता है जोहत, ये बना दिया यहाँ पर चेक डैम टाइप का, यहाँ पानी रोक लिया गया है। तो बाकी आगे जब आपको इरिगेशन वगैरह करवाना है वहां पर यूज करते हैं। और ये कहाँ देखो, आप देखो तो ये कर्नाटका में, इसको कर्नाटका में क्या बोलते हैं, मडकास, मडकास बोलते हैं कर्नाटका में। और उड़ीसा में क्या बोलते हैं इसको, पेमघड़ा, पेमघड़ा बोलते हैं इसको उड़ीसा में, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको। क्लियर है। चलिए तो इस तरीके की चीजें आपको दिखेगी, एक तरह से चेक डैम है, एक तरह से ना चेक डैम है, कैप्चर द स्टोर वाटर लिखा हुआ है, सारा आप पढ़ लेना, मेरा काम है कि भाई आपको चीजें पहुंचा दूं। फिर लिखा है पनाम केनी, पनाम केनी जो है कुरुमा ट्राइब्स, कुरुमा ट्राइब्स से कोई जनजाति है कुरुमा, उनके द्वारा शायद ये बनाया गया है, स्पेशल टाइप ऑफ कुआ है ये, स्पेशल टाइप वेल बोल सकते हो, जिसको पनाम केनी बोला जाता है टू स्टोर वाटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुरुमा जो ट्राइब्स है, कुरुमा जो जनजाति है, उनके द्वारा जो पानी के लिए जो स्ट्रक्चर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है या बनाया जाता था उसका नाम क्या है, तो पनाम केनी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, लकड़ी का वगैरह इनसे बनाते हैं ये सिलेंडर। फिर आता है खादिन, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है खादिन का, आपको अगर कहीं क्वेश्चन भी लगाओगे ना तो ये मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है खादिन। ये क्या है, आप बोल सकते खादिन आर इंडिजीनियस वेगा, इंडिजीनियस है वहां पे, खादिन सर इंडिजीनियस डिजाइन फॉर हार्वेस्ट वाटर रन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, खादिन एग्रीकल्चर पर्पज में जनरली यूज होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। द मेन फीचर ऑफ खादिन आल्सो कॉल्ड धोरा, इसको धोरा बोलते हैं, धोरा भी बोलते हैं। लॉन्ग अर्थन, ठीक है, एम्बैंकमेंट डेट बिल्ड अक्रॉस द हिल स्लोप ऑफ ग्रेवली अपलैंड्स, और आ जाएगा स्लूसेस एंड स्पे वेल्स अलाउ द एक्सेस वाटर टू ड्रेन एंड वाटर स्ट्रक्चर्स लैंड इज देन यूज्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अब सीधी सी बात है, कुछ भी याद मत रखो इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कौन सा जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मोस्टली यूज होता है या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो वो खादिन लगा के आना, क्योंकि जितने भी अभी हमने पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। ठीक, फर्स्ट डिजाइन आप देखोगे भाई पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर 15th century, मतलब 15th century में पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा पहली बार इसको बनाया गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं खादिन्स, ये देख लो खादिन्स स्ट्रक्चर्स, तो ये इरिगेशन पर्पज के लिए या इसके लिए। ये हो गया कुंड, है ना, गुजरात राजस्थान में इसको कुंड बोलते हैं। फिर आ गया ये भंडारा फड़, ये भंडारा फड़ इसको बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं देख लेना। ठीक, और ये बस इतना ही है। तो ये बचा जितना भी था वाटर हार्वेस्ट के अंदर, है ना, वाटर सेड मैनेजमेंट के अंदर सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए बच्चा लोग, कुछ प्रोग्राम है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करना है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो वाटर सेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक चीज समझी, इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था हमारा, इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था उसके बारे में पढ़ा। एमपी के अंदर कौन सा चल रहा है, इंडिया के अंदर कौन कौन से चल रहे हैं वो पढ़ा। अब कुछ और बेसिक जो है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जैसे कि ड्रॉटपॉन्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ड्रॉटपॉन्ड एरिया प्रोग्राम है ना, DPAP ड्रॉटपॉन्ड एरिया प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1973-74 में इसको लॉन्च किया गया था, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो DPAP क्या है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुआ था, 1973-74 में लॉन्च हुआ था। फिर आता आपका डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब आया था, 1977-78 में। फिर आता है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। कब आया था ये, 1990 में। ठीक है, इंटीग्रेटेड एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट स्कीम, याद रखना ये किसके अंदर आती है, ये देखो चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कब आया था, 1989 में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है तो सारे इंपॉर्टेंट, पर ये अलग है, क्यों, क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री चेंज है। ये किसके अंदर आ रहा है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। फिर आप 90-91 में जाओगे तो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरिया, तो रेनफेड एरिया के लिए नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम चलाया गया था कब, 90-91 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक, फिर इंडो जर्मन वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और एंड जो है वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। ठीक,
ये बात करें तो 1992, अब देखो ये यहाँ पर आप बोलोगे सर नाबार्ड तो 1982 में आया था, बात नाबार्ड की नहीं है, ये जो इंडो जर्मन वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ठीक, इसके लिए नाबार्ड और ये दो ऑर्गेनाइजेशन, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चलाया गया है ठीक है, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ठीक। 1992 में बात करें तो कब आया, इंडो जर्मन वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब इंडिया और जर्मन दोनों को मिलाकर जो वेस्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो आता है बच्चा इसमें नाबार्ड और वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, ये वार्ड जो है ये एनजीओ एक प्रकार का जो वाटरशेड के लिए काम करता है, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट ठीक है, ये WOTR का फुल फॉर्म भी याद रखना वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट ठीक, इसका याद, इन दोनों को मिलाकर ये दोनों जो है किसके लिए काम करते हैं, इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 94 से 2000 तक गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, हरियाली गाइडलाइन 2003 में आया, हरियाली गाइडलाइंस कब आई थी 2003 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हरियाली को हरियाली प्रोजेक्ट हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूं। 2006 की बात करो तो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू आया था ठीक। 2008 में कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं निरांचल, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो निरांचल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी एंड प्लानिंग कमीशन इसके द्वारा ही आया था। 2009 में जाओगे तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो मैं बता चुका हूँ 2009-10 में आया था, ये इसके बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं, ये किसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। फिर 2013 में आ जाएगा रिविजन एडेड टू 2008 कॉमन गाइडलाइंस निरांचल गाइडलाइन, निरांचल बोल सकते हैं निरांचल गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो निरांचल प्रोजेक्ट था उसको क्या किया था रिवाइज किया था इन्होंने 2013 में ठीक है, समझ में आ रही चीजें। चलो वाटर पॉलिसी की बात की, सारे प्रोग्राम डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो मैंने लिखा है ना ईयर पूछे जाएंगे, या फिर आपसे मिनिस्ट्री पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, या फिर उनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। वाटर पॉलिसी की बात करो तो सबसे पहले वाटर पॉलिसी कब आई थी बच्चा ठीक है, वाटर पॉलिसी की बात करो तो आपको मिलेगी 2012, वाटर पॉलिसी जो है अभी जो लेटेस्ट चल रही है 2012, और आपको मिलेगी 1987 ठीक है, रिवाइज की गई थी 2012 में वाटर पॉलिसी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम बता चुके हैं, ये डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम ठीक, आपका नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी प्रोग्राम, कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट निरांचल की, निरांचल का पूरा फॉर्म देख लेना क्या है इसका पूरा फॉर्म, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये सारे प्रोग्राम से बस आपको इनके सन और ये याद रखना है। ये वाटर पॉलिसी के बारे में मैंने बताया, वाटर पॉलिसी 1987 में आई थी, 2002 में इसको संशोधन किया गया, 2012 में फिर से किया गया था ठीक है, 2012 में फिर से आई थी ठीक। तो वाटर पॉलिसी पूछे कब बनी थी, फर्स्ट एडॉप्ट कब किया था 1987 में, और भी 1912 में फिर से नई पॉलिसी बनाई गई थी इसके लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये अच्छे से पढ़ना क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और जल शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पिछली बार, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, ये किस पर काम करती है, बायोफिजिकल स्टडी ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट वाटर सेट फ्लो एंड लिंकेज ठीक, इसके बारे में ये क्या होती है लिखा हुआ है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके बारे में पढ़ना, ये क्या काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, देखो ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है वाटर को लेकर कि ये क्या काम करती है। तो फॉर्मुलेट एंड रिव्यू ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर क्या करता है, जो पॉलिसी बनाई गई है ये पॉलिसी किस मिनिस्ट्री ने बनाई है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने बनाई है और इसी को क्या कर रहे हैं, इन्होंने ही बनाई है और यही क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का क्या रोल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मिलियंस वेल्स स्कीम्स ऑफ ग्राउंड वाटर, कई सारे वेल बनाना, डेवलपमेंट करना, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन टू डेवलप ड्रिंकिंग वाटर, तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या है, रिसर्च ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स की जो रिसर्च आएगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये आ जाएगा क्या, कंसर्न विद द वाटर क्वालिटी, कि वाटर की क्वालिटी क्या है, उसका जो कंसर्न कौन लेगा, उसका संज्ञान कौन लेगा, तो एनवायरमेंट, क्यों, सीधी सी बात है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा अगर खराब पानी होगा, तो ये इससे है, रिसर्च वाला काम एग्रीकल्चर के पास है, डेवलपमेंट वाला काम इसके पास है, और पॉलिसी बनाने का काम किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इसका वाटर के पास है। समझ में आ गई चीज, ये अच्छे से पढ़ लेना किसका क्या काम है। वही सारे वापिस से प्रोजेक्ट आ गए सारे, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया था, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा आपको पढ़ना है। 1973-74 में आया था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब जो सूखा क्षेत्र है उसके लिए ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम बनाया गया था, स्पेशली कंजर्वेशन मेजर्स वहां पर यूज की गई थी कि सोयल और वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, प्रोजेक्ट जो है कितना था, 30 लाख हेक्टेयर था, एवरेज जो प्रोजेक्ट साइज थी वो 500 हेक्टेयर थी, कितना पैसा इसके लिए दिया गया था
ठीक है, 1989-90 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड वेस्टलैंड, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। ये नॉन फॉरेस्ट एंड थ्रो सिल्पी सिल्वी पाश्चर एंड सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑन द विलेज एंड नो माइक्रो। तो सिल्वी पाश्चर का मतलब होता है एक तो आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री लगाओ प्लस साथ में ग्रासेस, इसको सिल्वी पाश्चर बोलते हैं। तो इसके लिए काम किसका था, इंटीग्रेटेड वेस्टमैन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 32 मिलियन हेक्टेयर पर काम हुआ था, कितना पैसा दिया गया था वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यहाँ देख लो, प्रोजेक्ट था ये 5 साल का, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हुए, कितने राज्य में ये था, स्टेट कौन कौन से सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर था, 50-50 था। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी 5 साल का था, 99-2000 इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट सारा दिया हुआ है, कौन कौन से स्टेट था और कितना यहाँ पर 100% ग्रांट इन एड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा पूरा पैसा इसमें कौन दे रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर मैंने मेंशन किए, इसको आप पढ़ लेना। ये नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की गई, कॉमन गाइडलाइन फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट नीरांचल की बात कही, ये आप देख लेना नीरांचल प्रोग्राम कब कब चलाया गया था, ठीक है, क्या इसका काम था, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, कितना पैसा दिया गया, कितना सेंक्शन हुआ, कितने हेक्टेयर के लिए, ठीक। चलिए, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेनफेड एरिया में चलाया गया था, और ये कॉमन गाइडलाइन नीरांचल की क्या थी, किस स्टेट में था, 2016 से 2021 तक चलाया गया था, सब आप लोग पढ़ लेना, है ना, इसमें बताने लायक समझाने लायक तो कुछ है नहीं कि सर इसमें क्या है क्या नहीं है। ये दो प्रोग्राम हो रहे हैं, इसको भी पढ़ लेना, ठीक, क्या इसका काम था, ये क्या था पूरा, और लास्ट वन ये नीरांचल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, नीरांचल प्रोग्राम क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना पूरा क्या है, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है अपनी सिंचाई वाला, कृषि सिंचाई योजना, उसके बारे में ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चा यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, क्लियर है। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, वाटरशेड मैनेजमेंट से जितनी भी चीज़ें थी सारी आपको दे दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, प्रोग्राम में समझाने लगा कोई चीज़ है नहीं और इतना टाइम भी नहीं कि एक एक प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो तो ईयर का पूछ लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, कितना पैसा दिया गया ये पूछ लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। तो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम निकालिए आपके साथ, क्लियर है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या प्रोग्राम इसके अंदर चल रहे हैं, है ना, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैंने आपके साथ सारा यहाँ पर डिस्कस किया। तो वाटर से जितना भी है सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चा, और कुछ रह गया तो वैसे भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इसके अलग से करवाऊंगा मैं वाटर सेट के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका वाटर सेट मैनेजमेंट कंप्लीट होता है बच्चा, और हमारा कोर्स भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चीजें सिर्फ बसती है आपकी एक MP एग्रीकल्चर, एक करंट अफेयर्स, स्कीम जरूर पूछी जाती है, तो स्कीम का मैं आपको PDF दे दूंगा बच्चा लोग पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चन हम मैराथन वाली क्लास में मेंशन कर लेंगे स्कीम के भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।